हिंदी की परीक्षा में कुछ ही पल बाकी है, ऐसे में आपको 500 प्रश्न बताने वाले हैं और इसी से क्वेश्चन आपका आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पूरे 5 सेट कंप्लीट कराएंगे मात्र एक वीडियो में। ये YouTube पे पहली बार होगा, जिस प्रकार से पिछले वर्ष बच्चे टॉपर बने थे 5-5 मॉडल सीट पढ़ करके, उसी प्रकार से फिर हम ला चुके हैं। आपको बोले थे कि धमाल होगा, कमाल होगा, तो आ चुका है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक जगह बैठ जाइए, शांत जगह, कान में ईयरफोन लगाइए। कान में ईयरफोन नहीं भी है, आपके पास ईयरफोन नहीं भी है, तब भी आप शांत जगह बैठिए और वीडियो को पूरा देख डालिए। पूरे 500 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। समझिए कि जिस बच्चे को 500 क्वेश्चन याद हो जाएगा वह धमाल मचा देगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूरे एक सेट से लेकर के 5 मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा हम सभी के हिंदी का मॉडल सेट 1। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब हम ठान चुके हैं कि 500 क्वेश्चन जब तक आपको याद नहीं कराएंगे, 5 सेट कंप्लीट नहीं करेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है, उसी प्रकार से आपको भी ठान लेनी है कि जब तक 500 क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, जब तक 5 सेट कंप्लीट नहीं होगा, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। जिस प्रकार से यहां पे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार से सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा, जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को छोड़ के जाएंगे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकती है। आइए क्लास को शुरू करते हैं, समय काफी कम है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और राष्ट्रमतता के कितने मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे थे। तो आप सभी को याद होनी चाहिए कि 3 व्यक्ति रहे थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगा। अगला प्रश्न, उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे आप, बताइए। तो फटाफट से बिल्कुल जहर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आप जो आपका जो सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सीधे आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न बाबू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फटाफट से नीचे कमेंट करके बताते रहिए, समय काफी ही कम है। जिस प्रकार से यहां पे क्वेश्चन हम आपको बता रहा है, सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे बाबू, तो आप सभी को पता है कि दलित वर्ग में जन्म लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि प्रयाग शुक्ल के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, जब तक 500 क्वेश्चन याद नहीं होगा कहीं नहीं जाना है आपको, हम भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके देखिए स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि कपोल का अर्थ बाबू क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा कपोल का अर्थ गाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जैसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा आपको फटाफट से टिक कर देनी है और एकदम गर्दा मचा देनी है, धमाल मचा देनी है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है प्रश्न कि निर्वासित का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो निर्वासित का जो अर्थ होता है वो आपका होता है बेघर, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हमसे तेजी से जवाब देने का प्रयास कीजिए और धमाल मचा दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, खुला है, फटाफट से कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सबको मिल करके जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है बाबू, तो निम्नलिखित में याद करके देखिएगा, जो आपका छ होता है ये तालु से उच्चारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था बाबू, जिस प्रकार से पिछले साल टॉपर हम दिए थे उस प्रकार से इस साल और भी जबरदस्त टॉपर देने वाले हैं, तो फटाफट से जल्दी से जवाब बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो याद कर लीजिएगा कि रामा अवतार शर्मा था, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार कैसी थी, तो याद कर लीजिएगा कि सेन साहब की मोटर जो कार थी वो कौन थी, तो वह थी एस्टिमल इंड थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया, मतलब किस कहानी का अनुवाद किया था बी आर नारायण ने, तो आप सभी को याद होनी चाहिए कि बी आर नारायण ने जो है वह दही वाली मंगमा का किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है, तो श्रीनिवास याद करके रखिएगा कि श्रीनिवास जो है वह कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है,
है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा जब तक 500 क्वेश्चन याद नहीं होगा, जब तक 500 क्वेश्चन 5 सेट आपका कंप्लीट नहीं होगा कहीं नहीं जाना है, आपको ठान लेनी है अगर आप परीक्षा में बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न कि कौन सुरक्षा सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था, तो याद करके रखिए यह लक्ष्मी की कहानी है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब, बढ़ने का किताब का है यह। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्विदा संपदा और प्रकृति से परिपूर्ण देश किसे कहा है, वह कौन सा देश, वो हम सभी का देश भारत देश है, इंडिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, फटाफट से लाइक कीजिए, आप लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और भी आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी हम कराते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ही आप आगे वीडियो मिलेगी इतनी अच्छी कमाल वीडियो। अगला प्रश्न कि मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे आप लोग, मेरा जूता फट गया, जूता, जूता क्या चीज है बाबू, ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहां पे किसी जूते का नाम नहीं दिया गया है, अगर किसी जूते का नाम दिया होता तब वो समूहवाचक संज्ञा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है सभी का कि निर्विवाद का संधि विच्छेद होता है बाबू क्या होता है, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि नहीं निर्विवाद होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि पवन में कौन सी संधि है, तो पवन में याद करके रखेगा कि पवन में यायादि संधि है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बर्णिका से क्वेश्चन आ चुका है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण पत्नी थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे इस प्रश्न में क्या कहते हैं, वो रामायण से जोड़ते हैं, बाबू ये रामायण वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी, तो याद करके रखिएगा कि मंगू के अलावा उसकी मां की जो संतानें थी वह 3 संतानें थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है यह बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो मां कहानी जो है याद कर लीजिएगा, फटाफट से दिमाग बैठा लीजिएगा कि ईश्वर फेटलीकर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पवित्र का जो संधि विच्छेद बाबू होता है वो क्या होता है, तो पवित्र का संधि विच्छेद होता है पोधन इत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किए तो सोचिए मत, जल्दी से कीजिए, समय काफी कम है बाबू। अगला प्रश्न है और पूरा वीडियो देख डालिए, जितना भी वीडियो आपके स्क्रीन पे आपके इस चैनल पे अपलोड है फटाफट से देख डालिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर की कविता लिखने लगे थे, ये आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लैटिन भाषा में वो लिखने लगे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत बाबू कब थी, तो मनुष्य की नाखून की जरूरत थी बाबू वो याद कर लीजिएगा कि जंगली जीवन में थी, जब जंगली जीवन में थे तब तो मनुष्य की नाखून की जरूरत थी, क्योंकि वह उसी क्योंकि मनुष्य का हथियार वह था उस समय। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, डिस्कस करने का समय रहा नहीं, हम लोग फटाफट से आंसर जानेंगे और फटाफट से जाकर परीक्षा में धमाल मचा देंगे। अगला प्रश्न है कि असुरों के पास नहीं थे, असुर के पास क्या नहीं थे बाबू, तो याद कर लीजिएगा कि असुर के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निर्गुण का संधि विच्छेद होता है बाबू क्या होता है, तो निर्गुण का जो संधि विच्छेद होता है वह निर्गुण होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से समय काफी ही कम है बाबू, जिस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा सीधे प्रश्न में आपको सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि वली अमाल की पुत्री कौन थी बाबू, तो याद कर लीजिएगा कि वली अमाल की जो पुत्री थी वह पापाती थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पापाती ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, ये कहानीकार कौन है बाबू, धरती कब तक घूमेगी सीता की कहानी है और यह कब तक घूमेगी इसके कहानीकार आपको बता देनी है। तो याद कर लीजिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि सामरदैया है कौन है, धरती कब तक घूमेगी, सामरदैया है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि दीर्घायु में कौन सा समास है, बताइए दीर्घायु में समास आपको बताना है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन की शानदार तरीके से जवाब देने की आदत आपको पड़ चुकी है, बिल्कुल हो जाएगा क्रम धारा समास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि पंचानंग पंचानंद में कौन सा समास है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब बिल्कुल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपने किताब में पढ़ा था, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल ये हो जाएगा 8वीं सदी से। कब हो जाएगा, तो 8वीं सदी से इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे है बाबू, फटाफट से जवाब दीजिए कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा दक्षिण भारत से मिलते हैं, यानी ऑप्शन हम आपका सी नंबर जो दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। तो बहादुर पे महज 11 रुपए की बात थी, 11 रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था, जिसके कारण बहादुर जो है वह लेखक के घर से भाग गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है बाबू, तो त्रिनेत्र का मतलब तीन, जो शब्द में पहले देखिए जिसमें संख्या आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, द्विगु समास, यहां पे तीन है तो तीन नेत्र वाला, यानी कि हो जाएगा आपका द्विगु समास। अब सर हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अब की बार बिहार बोर्ड पार, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि आकंठ में कौन सा समास बाबू, तो इसमें भी आपको आकंठ में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न बाबू, एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समय काफी कम है बाबू, बड़ी मेहनत लग रही है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग सफल होइएगा तो मेहनत हम लोग का साकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बाबू, और उपसर्ग वो होता है जो शब्द में पहले जुड़ते हैं, या बताना है कि प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, तो चोरी के इल्जाम के कारण वह चला गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका सी नंबर जो दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि चोरी के इल्जाम के कारण वह चला गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ही राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार, कि KM हिंदी संस्थान के बने थे, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो निराला की साहित्य साधना के जो बाबू रचनाकार है वह रचनाकार आपके है रामविलास शर्मा जी, यानी ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सोच कह रहा है जल्दी से कीजिए सोचिए मत, फटाफट से कीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि अधीश में कौन सा उपसर्ग है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है बाबू, ये बताना है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अधि। उपसर्ग कौन होते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। फटाफट से जल्दी से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या DLS एजुकेशन सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे और जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप DLS एजुकेशन ऑफिशियल ऐप, आप लोग इंस्टॉल करेंगे जबरदस्त तैयारी करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है, अभिशंसा, इसमें आपका अभि उपसर्ग हो जाएगा जो शब्द में पहले जुड़ते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि प्रशिकृत में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रशिकृत में आपका उपसर्ग आपका बी हो जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, परिउपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है सभी का कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है, तो पंडित बिरजू महाराज जो है वह लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है
है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र जो थी महज कितने वर्ष की थी, वह कितने साल के थे जब उन्हें नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, उन्हें पुरस्कृत उन अवार्ड से किया गया था, जो बिल्कुल उनकी उम्र लगभग 27 वर्ष की थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है 27 इयर्स, ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है बाबू, तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, टिकाऊ में देखिए प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंतिम में जोड़ते हैं, तो टिकाऊ आऊ प्रत्यय आपका रहा ना बिल्कुल आऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि तैराक में कौन सा प्रत्यय है बाबू, तैराक आकारा है ना बिल्कुल आकारा है, तो तैराक में आक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर देना है, तो बिल्कुल प्रतिवादी हो जाएगा आपका जो ए नंबर, यह आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मकता कृति कौन सी है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी हैं, ये दोनों का दोनों ही का है अशोक वाजपेयी जी का, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है, तो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने कर दिया था, तो बिल्कुल वह पहचान जो दिया गया है ये आपका डी नंबर है, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहाँ पे आपको चार शब्द दिया गया, चार ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आपको सही शब्द का चुनाव करना है बाबू, बिल्कुल यहाँ पे जो तरुण लिखा गया है ये आपका सही शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, फिर से यहाँ पे आपको सही शब्द का चुनाव कर देनी है, तो बिल्कुल यहाँ से सही शब्द जानवी जो लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में ये आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, अब समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर दीजिए, तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शब्द आपको यहां से चूज करना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, आपको फटाफट से इसके जवाब बता देनी है। प्रश्न कह रहा है हम सभी का क्या प्रश्न है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, मछली पाठ के जो लेखक है वो याद कर लीजिएगा कि विनोद कुमार जी शुक्ल है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक 500 क्वेश्चन समाप्त होगा नहीं, कहीं नहीं जाने वाले हैं और आपको भी कहीं नहीं जाने वाले हैं और आप भी एकदम बने रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि बहादुर कहां के रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से समय काफी कम बचा हुआ है, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी है बाबू, बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको लाजवाब धमाल मचाने वाली तैयारी करनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा व्यक्ति चरित्र है,
यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तो वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की चयन कर दीजिए। तो निम्नलिखित तो वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, हमारा विचार तो यही है यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। नीचे कमेंट कीजिए कि अभी तक क्या आपको समझ में नहीं आया कि जल्दी हम वीडियो आपको दे दें और आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाए, धमाल मचाने वाले हो जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से कर लीजिए जो बच्चे नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक फटाफट से कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कर दीजिए, यहां से भी आपको शुद्ध वाक्य की चयन कर देनी है, शुद्ध वाक्य पहचान देनी है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि जोश का लिंग निर्णय कर दीजिए, कि जोश कौन सा लिंग है आपको ये बता देनी है। तो जोश आपका पुलिंग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं शेर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम वर्ग का नाम जुड़ा हुआ है। बाबू बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम वर्ग का नाम जुड़ा है, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की आदत आपकी पड़ चुकी है। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा मुहर्रम, क्या हो जाएगा मुहर्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया क्या है बाबू, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन का शानदार तरीके से जवाब बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि पत्रिका क्या होगा, तो पत्रिका इसका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, तो याद कर लीजिएगा जो शेक्सपियर साहब है उनको कवि के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आज आपका ए दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है और हमारे वेबसाइट से जाकर के आप तैयारी कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप मॉडल पेपर का टेस्ट वहां पे दे सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी में हुई है, वहां से आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्राप्त सकते हैं, हमारे ऐप से भी आप तैयारी कर सकते हैं, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दिया गया है। अगला प्रश्न ये रही राश किसकी रचना है बाबू, तो रहीरास आपको याद करके रख लेनी है कि रहीरास जो ये रचना है वो आपका गुरु नानक जी की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात तो करते हैं बाबू, शानदार क्वेश्चन, शानदार प्रश्न कह रहा है कि जीत का लिंग निर्णय क्या होगा, तो जीत का लिंग निर्णय होता है स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग है या ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि अश्रु का लिंग निर्णय कर देना है, तो अश्रु का लिंग निर्णय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पुल्लिंग हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन, समय काफी ही कम है, प्रश्न कह रहा है कि आत्मा का लिंग निर्णय कर देना है, तो देखिए आत्मा का निर्णय होता है, आत्मा आपकी स्त्रीलिंग होती है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है बाबू, तो वाणी जो होती है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो ऐसा लगता है वाणी या शरीर ही पूरा व्यर्थ हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, कह रहा है कि सुजान दस खान किस प्रकार की रचना है, तो सुजान दस खान जो है याद कर लीजिएगा कि कृष्ण की भक्ति संबंधी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न को शानदार तरीके से जवाब, कह रहा है कि क्वेश्चन की कबीर खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है, तो याद कर लीजिएगा कि भक्त के रूप में स्वयं को बेमन कह दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, और आजकल यही काम चल रहा है, अपना उल्लू सब कोई सीधा करने में लग चुका है, यानी कि अपना काम निकलना, आपका काम कोई नहीं देख रहा है, सब कोई अपना काम देख रहा है, आपका और अपना में बहुत ज्यादा अंतर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, फिलहाल डिस्कस करने का समय नहीं है क्योंकि अब आप परीक्षा देने वाले हैं, और जब आप परीक्षा देने वाले हैं तो फिर तो आपको गजब की तैयारी करनी है, कम समय में आपको रिविजन कर लेना है। प्रश्न कह रहा है कि टोपी बदल मुहावरे का क्या अर्थ होता है, और आजकल यह काम नेताओं में सबसे ज्यादा चल रही है, यानी कि दल बदलना, दल बदलना का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मक्खन लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, और आजकल ये भी घटना बड़ा ही तेजी से चल रही है, मक्खन लगा देना यानी कि खुशामद कर देना, ये ऑप्शन नंबर क्या होना? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है बाबू? तो घनानंद जो है ब्रजभाषी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि ने प्रजन्य किसे कहा है? मार सरस्वती का नाम दीजिए, पूरा 500 क्वेश्चन देखिए, सीधे जाकर के धमाल मचा दीजिए परीक्षा में। चलिए प्रश्न कह रहा है कि कवि ने प्रजन्य किसे कहा? इसी बात पे लाइक और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका रिजल्ट काफी जबरदस्त आए, आपको वीडियो समय पे मिले और आपकी तैयारी गजब तरीके से हो जाए। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बादल। कृष्ण ने प्रजन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। ऑप्शन नंबर का जो सी दिया गया है सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहे कि कवि प्रेम घन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो वह कही है देश के प्रबंधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वीर गति पाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो वीर गति पा लेना का मतलब होता है कि युद्ध की भूमि में मर जाना, यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है सभी का बड़ा ही शानदार प्रश्न कि तालाब का पर्यायवाची बाबू क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा कि तालाब का पर्यायवाची जो होता है वह तड़ाग भी होता है, शर भी होता है, कशार भी होता है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि शोड़ित किसका पर्यायवाची है? शोड़ित जो होता है बाबू वो किसका पर्यायवाची होता है? तो शोड़ित आपका खून का पर्यायवाची होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवण्य जनपद किसकी कृति है? तो जीवण्य जनपद जो है वह आपका प्रेम घन की कृति है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रेम घन की कृति है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता में भारत का जो बाबू चित्र है वो चित्र आपका यथातथ्य प्रस्तुत किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है? तो याद कर लीजिएगा कि भारत माता सुमित्रानंद पंत की रचना है, ऑप्शन नंबर का जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, समय काफी कम है और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। काफी लोग कुछ और बोलते हैं उन लोग पे कुछ भी, थोड़ा सा भी आपको उधर नहीं जाना है, समय काफी कम है, आपको जबरदस्त तैयारी करनी है। जिस प्रकार से हम पिछले वर्ष आपको टॉपर दिए थे पिछले बच्चों की, इस प्रकार से आपको भी पर देना है और धमाल मचाना है। प्रश्न कह रहा है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर मिले थे। कहां मिले थे? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिले थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि खल के पर्यायवाची बाबू आपको बता देना है, खल का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा खल का पर्यायवाची होता है नीच, दुष्ट और पाजी, ये तीनों का तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कि कुलपति बनाए गए थे? जो कि बड़ा ही शानदार लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है, वो भागलपुर विश्वविद्यालय को बनाए गए थे, यानी कि ऑप्शन वाला जो आपका हो जाएगा सी नंबर, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि आगे का जन्म कब हुआ था बाबू? अज्ञे का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, समय काफी कम है। प्रश्न कह रहा है कि मदन किससे उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था बाबू? तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि वो सुफर से लड़ रहा था, यानी कि उलझ रहा था, ऑप्शन नंबर सी ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा कविता किस चित्रण किसका चित्रण करती है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की आदत आपकी पड़ चुकी है। बिल्कुल आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विविष्का की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल ऐप। अगला प्रश्न, किस शहर को बचाना है, किससे बाबू बचा लेना है, तो शहर को नादिरों से बचा लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रही चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है बाबू, तो चंदन का पर्यायवाची जो शब्द होता है ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, आपके हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए गंधराज भी होता है, मलय भी होता है, श्रीखंड भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है स्वच्छता के विपरीत शब्द होगा, तो देखिए स्वच्छता का विपरीत का मतलब होता है कि उल्टा शब्द, तो हो जाएगा स्वच्छता का क्या हो जाएगा बाबू, फटाफट से वीडियो बता ये आपको बता देनी है इसका जवाब, बिल्कुल अस्वच्छता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि इहलोक का विलोम क्या होगा, तो इहलोक का विलोम आपका परलोक होता है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब, इहलोक का विलोम परलोक होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जैसे ही आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कर देना है और फटाफट से चलाना है और धमाल मचा देना है, रिजल्ट आपका काफी जबरदस्त आएगा, मां सरस्वती आपकी कृपा बरसाई हुई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि नदियों को बचाना है, तो नदियों को किससे बचा देना है, तो नाला हो जाने से बचाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि वीरन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि गरीब वस्तुओं में क्या हुआ था, तो गरीब बस्तियों में जो हुआ था वह धमाके के साथ देवी जागरण किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से हम लोग आंसर करेंगे, कम समय में एकदम बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरे 500 क्वेश्चन जब तक समाप्त नहीं होना ठान लेनी है कि जब तक खत्म नहीं होगा कहीं नहीं जाना है, रजाई में जाइए, बैठ जाइए, कंबल में जाइए, छुप जाइए और एयरफोन लगा करके फटाफट से पूरा वीडियो देखिए। प्रश्न कह रहा है कि इति का विपरीत शब्द बाबू क्या होता है, तो इति का विपरीत शब्द होता है अध होता है, क्या होता है अध, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा बाबू, तो उत्कृष्ट का विलोम जो होता है वो होता है निकृष्ट होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जिस प्रकार से हम ठान लिए हैं कि जब तक 500 क्वेश्चन बताएंगे नहीं, 5 सेट कंप्लीट कराएंगे नहीं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसी प्रकार से आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। कह रहा है क्वेश्चन के कौन फुदक जाता है बाबू, तो कौन फुदक जाता है, बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा कि कबूतर जो है फुदक जाता है, क्या हो जाएगा कबूतर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है, पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है, तो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि ख अक्षर जो होता है वह क्या हो जाता है आपका उतर जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रभुत्व आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो बिल्कुल बिल्कुल बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और इसका बिल्कुल राइट जवाब लगा वल्लनाथ सेन को, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी तक आपने 100 देखा, अभी तो बाकी है, अभी तो 500 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो 400 क्वेश्चन तो बाकी है, जाना कहीं नहीं है। आइए देखते हैं कि सेकंड मॉडल पेपर क्या करता कहता है, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, फटाफट से रटिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये रहा हम सभी का मॉडल सेट 2, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आइए पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये मॉडल सेट 2 है, आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हो जाएगा जाति प्रथा का बाबू माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका भी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो याद कर लीजिए, समय काफी कम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है बाबू, तो विडंबना का अर्थ आपको बताना है फटाफट से, बिल्कुल इसका होता है उपहास करना, यानी ऑप्शन होता है बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो थी किस रंग की थी, तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वह काली रंग की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो याद कर लीजिएगा कि सेन साहब की जो बेटियां थी वो 5 बेटियां थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है, तो कौन सी लिपि दाई से बाई लिखी, फारसी लिखी जाती है, दाई से बाई ओर लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर का जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से याद कर लीजिए, समय काफी कम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तलाबसा यानी कि स्व का ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि तालु होता है। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समय काफी कम है। फटाफट से प्रश्न कह रहा है कि हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है, हिमालय शब्द जो होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि लघुता डैश संज्ञा है, लघुता याद कर लीजिएगा, तो लघुता आपका भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो निर्मोह का संधि विच्छेद होगा निधनमोह, क्या होगा निधनमोह होगा, ऑप्शन आपका ये नंबर होगा बाबू, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ जो होता है क्या होता है, तो प्रत्न मानव का बाबू आप याद कर लीजिएगा कि प्राचीन मानव, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, समय काफी कम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय में किया था, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है, तो भीमराव अंबेडकर से यहाँ पे 4 आपको बताना है क्वेश्चन, बिल्कुल जाति प्रथा और सन विभाजन का किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि मैक्स मूलर ने हिपोदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था, तो याद कर लीजिएगा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि जर्मन भाषा में करवाया था, कौन से भाषा में करवाया था, तो जर्मन भाषा में करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा था, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि एटम बम पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद होता है बाबू क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा कि षड्यंत्र का जो संधि विच्छेद होता है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, वो हो जाएगा षट धन यंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, अभ्यर्थी में यहां से आपको संधि बतानी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि अभ्यर्थी में यण संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण में है कौन से संधि है, आपको यहां से बता देनी है, 4 ऑप्शन दिया गया था, बिल्कुल पर्यावरण में आपका यण संधि है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज कौन टॉपिक में वीडियो चाहिए, नीचे यार कमेंट कीजिए, समय काफी कम है, और जाकर के आप परीक्षा में धमाल मचा दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि किस समास में पहला पद संख्या होता है, तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वह संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दधीची की हड्डी से क्या बनाया गया था बाबू, तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे, तो याद कर लीजिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका जवाब हो जाएगा 2 सदी पहले, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है बाबू, तो हिंदी भाषा की लिपि याद कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, यानी ऑप्शन आपका जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि कहानी इसमें से कौन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहां से जो बहादुर दिया गया है, बहादुर एक कहानी थी, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर हो जाएगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है बाबू, तो देखिए बहादुर कहानी के कहानीकार यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको चूज करके बताना है, तो बिल्कुल उसका राइट जवाब अमरकांत जी है। कौन है, अमरकांत जी है बहादुर कहानी के कहानीकार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो याद कर लीजिएगा कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो जुलाई 1925 में हुआ था। कब हुआ था, तो जुलाई 1925 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, बताइए युधिष्ठिर में समास आपको बताना है, तो याद कर लीजिएगा युधिष्ठिर में समास आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, यहां से द्वंद्व समास किस में नहीं है। देखिए द्वंद्व समास वो होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे लोटा दोरी, भाई बहन, गंगा यमुना, पापे पुण, राजा रंग, ये जितने भी है वो सारा का सारा क्या है, तो आपका द्वंद्व समास है। लेकिन यहां से बताना है कि द्वंद्व समास कौन नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन जो नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पे निम्नाधिक जो दिया गया ऑप्शन नंबर आपका ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का ये रहा आपके स्क्रीन पे जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, कह रहा है कि षडानंद में समास बताना है आपको, षडानंद में समास जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब बताइए। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है बाबू, तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वह किस विधा की है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि निबंध, क्या हो जाएगा, निबंध, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान का सबसे अच्छा आवश्यक है, सबसे आवश्यक है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समय काफी कम है, फटाफट से याद कर लीजिए पूरे 500 क्वेश्चन, जब तक 500 क्वेश्चन समाप्त नहीं होगा, यानी कि 5 सेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, यानी एक सेट में आपका 100 क्वेश्चन है, इस तरीके से 5 सेट में आपको पूरे 500 क्वेश्चन आपको याद कराने वाले हैं, और भी सब्जेक्ट का नहीं देखे, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और संस्कृत हो गया, सारा सारा वीडियो देखिए और एकदम जाकर के गिरदा मचाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न करके पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो पंडित जो बिरजू महाराज जी थे उनका जो संबंध था वो लखनऊ घराने से था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि स्वदेश में उपसर्ग कौन है, देखिए उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, जो शब्द में पहले जुड़ते हैं वो आपका उपसर्ग होते हैं, तो यहां से आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो स्वदेश में स्व आगे जुड़ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, कह रहा है प्रश्न कि अलविदा में उपसर्ग कौन है, यहां भी आपको अलविदा में सबसे पहले जो जुड़ जाए, यानी कि जो पहले वाला शब्द का उच्चारित आप कर रहे हैं वही आपका जो होगा वो उपसर्ग हो जाएगा, तो अलविदा में अल जुड़ रहा है ना बिल्कुल, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है सभी का कि एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे एन वक्त में यहाँ पे भी आपको उपसर्ग बता रहा था, काफी इजी हो गया अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर क्या बता रहे हैं और क्या आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा एन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि आबिनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या चीज रहा है बाबू, तो आबिनियो जो है वह फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का जो शीर्षक है यहां से आपको बता देनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ला मादा मुजेल द आबिनियो, ऑप्शन आपका जो बी दे दिया गया है ये आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ये आपका राइट जवाब हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग का, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो विनोद कुमार जो शुक्ल है उनका जो जन्म हुआ था बाबू वो होता है जनवरी 1 1973 को, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबिंब में कौन से उपसर्ग है, उपसर्ग यानी कि जो शब्द में पहले जुड़ते हैं, तो प्रतिबिंब में इसका बिल्कुल ही बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी नंबर, प्रति क्या है, क्या है बाबू, तो प्रति है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि धमाका में प्रत्यय बताइए, धमाका में आपको प्रत्यय बताना है, तो देखिए प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द में अंतिम से जुड़ते हैं, धमाका आका आकार है ना, तो बिल्कुल आका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब
हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, कह रहे कि गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, गुजारा आरा, ठीक है गुजारा, ठीक है इसमें आपको आरा आरा ना बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होता क्या हो जाएगा आ, गुजारा आरा है ना बिल्कुल, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहां से आपको सही शब्द का चुनाव कर देना है, तो यहां पे जो आपका लिखा गया औद्योगिकरण ऑप्शन नंबर सी में, ये आपको औद्योगिकरण आपका ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ही सही लिखा गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो नौबत खाने में इबादत जो है वह पाठ के लेखक आपको यतेंद्र मिश्र जी है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये भी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्ला खां का जन्म कहां हुआ था, तो याद कर लीजिएगा कि बिस्मिल्ला खां का जो जन्म हुआ था वह डुमराव में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो शेक्सपियर यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, याद कर लीजिए शेक्सपियर जो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो टॉलस्टॉय जो थे वह किस देश के साहित्यकार थे, तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह रूस के थे, किसके थे रूस के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू हो चुका है और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन जो चैनल का नाम है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए फटाफट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के कोई भी चीज यहाँ पे आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहाँ पे, लाइव टेस्ट भी हर चीज शुरू हो चुका है, बहुत खुशी की बात है। देखिए समय आपके पास काफी कम है, तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल और आकर के आप अपने बेहतरीन यहां से तैयार कीजिए, तो फटाफट करिए, देर मत करिए और एक नहीं पूरे 5 सेट आपको यहां पे मिलेगा, ऑफिसर सेट हो गया, मॉडल सेट हो गया, सारा चीज यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहां से आपको सही शब्द का चुनाव कर देना है कि सही शब्द क्या होगा, तो यहां पे जो रासायनिक लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में वह रासायनिक आपको सही लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है यह बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव यहां से करना है, यहां पे भी जो सही शब्द आपको लिखा गया है वह कौन सा लिखा गया है, यहां पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो सर्वावसर जो लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, यहाँ से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है और ये एग्जाम में समझिएगा आपके आएगा ही आएगा, आपको यह जाने वाला नहीं, आपका यह जीवा नहीं छोड़ेगा, आपके साथ यह जाएगा, परीक्षा में भी रहेगा। प्रश्न कह रहा है कि ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कर दीजिए, यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो यहां से जो ऑप्शन नंबर सीता ये सी नंबर दिया गया है कि राम और सीता वन को गए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि गुरु नानक की रचना क्या है, यहां से आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये आपका गुरु नानक जी का रचना है, यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, तो सिख धर्म का परिवर्तन जो है वह किसने किया था बाबू, तो वह किए थे गुरु नानक जी ने, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि आईनी का अर्थ क्या होता है, आईनी का जो अर्थ होता है बाबू वो क्या होता है, तो आईनी का अर्थ होता है खजाना, क्या होता है खजाना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न करके प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, प्रेम वाटिका जो है वह किस प्रकार की रचना है, तो वह आपका प्रेम निर्गुण संबंधी है, निर्गुण संबंधी यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, यहाँ पे भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि गाय बैल घास चर रहे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि आहट का लिंग निर्णय कर दीजिए कि जो आहट है वो आहट क्या है। तो याद कर लीजिएगा आहट आपका जो है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और अभी तक हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, लिखिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया गया, और हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको 7 सालों का मर्डर सीट लाइव टेस्ट आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। तो सोच कह रहा है जल्दी से आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ठान लेनी है पहले 500 क्वेश्चन समाप्त होगा उसके बाद ही जाना है आपको, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताज का निर्णय, तो अभी आपको बताएं कि ताज का जो लिंग निर्णय हो जाएगा आपका पुलिंग, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सॉरी, तकिया का लिंग निर्णय कर देना, तकिया, तो तकिया का लिंग निर्णय 58 नंबर प्रश्न का आपका यस जवाब का हो जाएगा, तकिया आपका पुलिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि घनानंद जीवनदायक है कछु मेरिया ये पीर हिया परसों में किस कवि का नाम आया है, आपको ये बताना है। 59 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल हो जाएगा राइट जवाब, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर के घनानंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, समय काफी कम है, फटाफट से करेंगे हम लोग। प्रश्न कह रहे हैं कि घनानंद किस काल के कवि थे, तो याद कर लीजिएगा जो घनानंद जी हैं वह आपके रीति युग के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि कृष्टान का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, तो कृष्टान का जो अर्थ होता है बाबू वह आपका बिल्कुल बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब आपका हो जाएगा, कि क्रिश्चियन होता है ऑप्शन नंबर आपका जो डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कभी प्रेम घन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहा है, तो क्या नहीं रहा है बाबू देश के नेताओं से, तो वह आपका स्वदेशी परिधन जो है, यानी कि जो देश में बोली मतलब स्वदेशी जो अपने देश में सब चीज है वह संभल नहीं रहा है। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और प्रश्न के आराम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि तलवार का लिंग निर्णय कर देना है आपको, कि तलवार जो है आपका वो कौन सा लिंग है, तो तलवार याद कर लीजिएगा बड़ा ही शानदार प्रश्न है बाबू, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए की पुलिंग है, यह क्या चीज है, यह पुलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ जो होता है वह क्या होता है, देखिए सिर पर भूत सवार होने का मतलब होता है धुन सवार हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि कान देना मुहावरे का अर्थ, 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक जो उचित है यानी कि सबसे सही है वो सही आपको बताना है, यानी कान देना का अर्थ क्या होता है, तो कान देने का मतलब होता है ध्यान देना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है, तो ग्रामवासिनी है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है, ग्रामवासिनी है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, आपको ये बता देना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ग्राम्या, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर जो कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि गवाक्ष का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो गवाक्ष का अर्थ आप याद कर लीजिएगा बड़ा ही शानदार प्रश्न है, तो बड़ी खिड़की होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समय काफी कम है और फटाफट से पूरा वीडियो देख डालिए। अगला प्रश्न करके उर्वशी किसकी कृति है, उर्वशी आपको बताना है कि उर्वशी किसकी कृति है, तो दिनकर की कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहावत का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है, तो धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का इसका मतलब होता है कि नहीं उसका कहीं नहीं ठिकाना नहीं रह पाया है, यानी कि कहीं ठहर ठिकाना न होना, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगर इन सभी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप कमेंट करते रहिए फटाफट से। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दाल भात में मुसलचंद कहावत का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है, इसका बिल्कुल राइट जवाब है बिना मतलब का दखल देना, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से विपिन जो होता है किसका पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जंगल का, यानी ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है
ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रभाकीट किसका परिवाची है, तो प्रभाकीट जो है वह परिवाची याद करिएगा जुगनू का है, जुगनू यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी नहीं दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि हिरोशिमा के कवि कौन है, तो याद कर लीजिएगा कि हिरोशिमा के जो कवि हैं बाबू बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है वह सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब कि सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का कि अगे का जन्म कब हुआ था बाबू, तो अगेजी का जो जन्म हुआ था वह 7 मार्च 1911 को हुआ था, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर सी नंबर दिया गया है यह आपका राइट जवाब हो जाएगा, 7 मार्च 1911 को हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था, तो खोखा को ट्रेनिंग देनी है, खोखा का मतलब हो गया काशू, काशू को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे जो है वह बढ़ई मिस्त्री आया करता था, बढ़ई मिस्त्री यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से समय काफी कम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कभी कुछ देर के लिए कहां बैठ जाते हैं, तो कभी कुछ देर के लिए जो है वह वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, तो कवि के अनुसार जो है वो घर को किसे बचाना है बाबू, तो घर को बचाना है लुटेरों से, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, तो हम सभी का अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निष्पक्ष निर्मलित बिलगा बिलाग किसकी परवाची है, आपको ये बताना है, तो बिल्कुल बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का कि तटस्थ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद की रचयिता कौन है, चार ऑप्शन दिया गया है कि हमारी नींद के रचयिता कौन है, तो याद करें वीरेन डंगवाल जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समय काफी कम है, ऐसे में कम समय में आपको पूरे 500 क्वेश्चन यानी कि 5 मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से पूरे के पूरे आपको 500 सेट आपको याद हो जाएगा, यानी कि 500 क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक होता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा गलफत का होता है, किसका होता है गलफत का होता है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की काव्य संकलन का रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए हो जाएगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता कहां से ली गई है, तो याद कर लीजिएगा कि अक्षर ज्ञान जो कविता है बाबू वह कविता आपको ली गई है, कवि ने कहा वहां से ली गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कवि ने कहा यहां से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लौट कराऊंगा फिर किसकी कविता है, लौट कराऊंगा फिर किसकी कविता है, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर के जीवनानंद दास की, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो जाएगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ था, तो जीवनानंद दास की जो मृत्यु हुई थी वह कितने वर्ष में हुई थी, तो हुई थी लगभग 55 वर्ष में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उर्मी किसका परिवाची है, तो याद कर लीजिएगा उर्मी जो है वह तरंग की परिवाची है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी लाजवाब क्वेश्चन है कि उन्मुख का अभिप्रार्थी जो शब्द होता है वह क्या होता है, तो उन्मुख का अभिप्रार्थी जो शब्द होता है वह विमुख होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बीज होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कह रहा है कि लहू लुहान कौन भटकेंगे, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है वह भगवान के पैर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि किसका शानदार लवादा जो है गिर जाएगा, तो याद कर लीजिएगा 89 नंबर प्रश्न का जवाब, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रभु का, किसका लवादा गिर जाएगा, तो प्रभु का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहे मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो सबको ही बच्चे जानते हैं कि मंगमा की बहू का नाम था क्या था, तो नंजमा नाम था,
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई नंबर हो जाएगा, यहाँ पे नंजमा होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। तो दही वाली जो मंगमा के जो लेखक है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी के कह रहे हैं कि उपसर्ग किसका विलोम है। उपसर्ग है बाबू वह किसका विलोम है, तो उपसर्ग आपका प्रत्यय का विलोम है, क्योंकि उपसर्ग जो शब्द में पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द में बाद में लगते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले नया प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि उच्छ्वास का विलोम शब्द क्या होता है, तो उच्छ्वास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निश्वास होता है, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न यह रहा कि उहापोह का विलोम शब्द जो होता है वह क्या होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ये राइट हो जवाब हो जाएगा निश्चित, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला नंबर प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था। तो लक्ष्मी का जो घर था वह घास फूस से बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा, घास और मिट्टी से बना हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहे कि गुण निधि कहां से लौट आया था, ये लौटा था, तो गुण निधि जो था वो कटक से लौट करके आया था, जो लक्ष्मी की कहानी है, ऑप्शन आपका जो डी नंबर होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो याद करके देखिए कि मंगू की माँ की जो संतानें थी वो चार संतानें थी, और आपके एग्जाम में था मंगू के अलावा कितनी संतानें थी, तो तीन संतानें थी। ऐसे बात की जाए मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो चार संतानें थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मंगू जन्म से ही क्या थी, तो मंगू जो है वो जन्म से ही पागल और गूंगी थी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से समय काफी कम है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, मैदुरे का किया गया है, ऑप्शन आपका ई नंबर जो दिया गया बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो धरती कब तक घूमेगी या राजस्थानी भाषा से अनुदित है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। तो 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, कंप्लीट और करना है 300 क्वेश्चन, जब तक 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा कहीं नहीं जाने वाले हैं, यानी कि दो मॉडल सेट हमने कंप्लीट किया यहां पे लगातार YouTube पे पहली बार। समय काफी कम है इसलिए टॉपर इसी से बच्चे बनते हैं, जो बच्चे हर साल वीडियो देखते हैं 5 मॉडल सेट का वो धमाल मचाते हैं। आइए देखते हैं कि और मॉडल सेट क्या कह रहा है, मॉडल सेट 3, 4 और 5, ये हम लोग का 3 मॉडल सेट और बाकी लगा हुआ है। तो ये रहा अब हम सभी का मॉडल सेट 3, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, अब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी शानदार क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है बाबू, फटाफट से देखिए क्वेश्चन कह रहा है। प्रश्न सभी का, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। लगातार आपको 500 क्वेश्चन देंगे, 5 सेट आपको कराने वाले हैं, 5 सेट से 500 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और जाकर के आपको धमाल मचा देना। चलिए तो प्रश्न सभी का क्या कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन है, तो बिल्कुल इसका आपका राइट जवाब आपको फटाफट से यहाँ से 4 ऑप्शन से बता देनी है, अस्वाभाविक हो जाएगा, यानी कि अस्वाभाविक जो आपका ऑप्शन जो आएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहे कि हरकस थे क्या थे बाबू, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन नंबर आपको जो ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है बाबू, तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार जो है वह प्रैतिक पेशा है, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज सी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका जन्म से ही यह पेशा हो जाएगा, जब आप जन्म लेंगे जिस आप कास्ट में जन्म लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, आपका पेशा बन जाएगा। अगला प्रश्न कि कह रहा है कि किससे मोटर की चमक धमक से कोई खतरा नहीं था बाबू, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, सेन साहब की पुत्रियों की, सेन साहब की पुत्रियों से जो था वो किसी प्रकार की मोटर कार को खतरा नहीं थी, लेकिन कासू था यानी कि खोखा था उसी से क्या था मोटर कार को काफी ज्यादा खतरा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि क्या है बाबू, तो याद कर लीजिएगा कि देवनागरी लिपि ये अक्षरात्मकता लिपि है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सभी का कि बौद्ध ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बाबू, फटाफट से जवाब बताइए कि बौद्ध ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो बौद्ध ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है, क्या है बाबू ओष्ठ है, यानी कि ओठ आपका आपका ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि समूह का समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो याद कर लीजिएगा
कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, यहां से सभा जो दिया गया है यह समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी काय करते हैं, फटाफट से लाइक कीजिए। इतनी मेहनत लग रही है, इतना बोलना पड़ रहा है लगातार आपको, पूरे 500 क्वेश्चन पहली बार ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन कि हिमालय शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा है, तो याद कर लीजिएगा कि हिमालय जो शब्द है बाबू, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या है कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब की पुत्रियों में से, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया, इसमें से कौन एक थी, क्या नाम था उसका, यहाँ पे आपको बता देना, बिल्कुल आरती उसका नाम था एक का, यानी ऑप्शन हो जाए क्या चीज, ए नंबर आपका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सी विधा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सी विधा है बाबू, तो याद कर लीजिएगा कि निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैदिक तत्व ज्ञान की, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात फटाफट से, तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, गद पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरण किसने किया था, यह बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, और सुंदर क्वेश्चन को सुंदर तरीके से जवाब देने की आदत पड़ चुकी है, आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर भावना शंकर त्रिवेदी जी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न कि कामसूत्र किसकी रचना है, बताइए फटाफट से नीचे कमेंट करके कि कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की है, यानी ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस में आपको संधि बतानी है कि ग्रीस में कौन सी संधि है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न ये है कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, जो कि बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आपको फटाफट से इसका जवाब देना है, तो अत्यंत का संधि विच्छेद अति धन अंत होता है, अत्यंत, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है, यहां से यण संधि की पहचान करनी है, तो अत्याचार जो है यहां से यण संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि सत्यार्थी का संधि विच्छेद जो होगा बाबू क्या होगा, तो सत्यार्थी का जो संधि विच्छेद होता है वह सत्य धनार्थी होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि पहले का जो मनुष्य है वह नाखून अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, समय काफी कम है बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो याद कर लीजिएगा कि गुणाकर मूल्य का जो जन्म है वो आपका कहाँ पे हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम धमाल मचा दीजिए। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा कि ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण परिवेश में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन का जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो याद कर लीजिएगा कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था बाबू, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका सी जो होगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था, जो अमरकांत जी हैं जिन्होंने बहादुर चैप्टर लिखा है, उन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी, यानी कि 12th की पढ़ाई की थी, वह कब किया था, कौन से ईस्वी में किया था, आपको यह बता देनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा 1946 ईस्वी में, कब की थी, 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक जो बच्चे नहीं किए हैं, कंजूसी नहीं करना बाबू, एकदम धमाल मचाना है, पूरे लगातार 500 क्वेश्चन याद कीजिए, और यही आएगा तो एकदम धमाल मचा दीजिएगा, इसमें से आपको 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन लड़ेगा, एकदम सीधे परीक्षा में आपका आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं, जिसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर बिल्कुल ही
राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख, तो सुख दुख में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख हो गया, भाई बहन हो गया, लोटा दोरी हो गया, माता पिता हो गया, ठीक है, ये सभी का नर नारी हो गया, ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यानी कि दोनों पद जिसमें प्रधान होंगे वो आपका कौन सा समास होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है संगीतज्ञ में कौन सा समास है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास है। कौन बाबू? तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि चतुर्वेद में कौन सा समास है। चतुर्वेद, चतुर्वेद में जो समास है वो कौन सा है, तो बिल्कुल बिल्कुल इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर की है द्विवेदी। चतुर्वेद क्या है, चतुर्वेद ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देखिए जिसमें संख्या आ जाता है, देखिए चतुर का मतलब चार। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि उजनी ये नहीं शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उजनी शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं जो शब्द में पहले जुड़ते हैं, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब उत्ते, क्या हो जाएगा उत्ते, उत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है हम सभी के साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा समाज की तरह। किसकी तरह, तो समाज की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का निबंध संबंध जो है किससे है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की आदत पड़ चुकी है आपकी। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा, तो बिरजू महाराज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बिरजू महाराज की रचना है। यानी कि ऑप्शन वाला का जो बी हो जाएगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न काफी धमाल मचाने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक वो रहे थे वहां पे, तो इसका बिल्कुल बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाए था, याद करिए कि लगभग 19 दिन तक रहे थे। यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं उन्होंने लिख दी थी, ये आपको ये बताना है। तो याद कर लीजिएगा, उन्होंने लगभग 35 कविताएं और 27 गद्य जो है उन्होंने लिख डाली थी। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि सज्जन में कौन सा उपसर्ग है। सज्जन, सज्जन में आपको उपसर्ग बतानी है कि सज्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग है, निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा नीर। क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि समाविष्ट में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका जो है ये राइट जवाब हो जाएगा सम। किसका किया गया है, सम किया गया, सम का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि दाता, दाता में प्रत्यय बताइए। यहाँ पे प्रत्यय आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब आपको बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके। बिल्कुल ये हो जाएगा ता, जो आपका दाता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, जो कि बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, और इसका राइट जवाब हो जाएगा 1990 में मिला हुआ था। कब मिला हुआ था, 1990 में मिला हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न है कि झोले में कितनी मछलियां थी, तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि झोले में महज कितनी मछलियां थी, तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मछलियां थी। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर, बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
आगे बात करते हैं फटाफट से, समय काफी कम है बाबू, पूरे 500 क्वेश्चन याद कर लेना है आपको। और आपको एकदम किसी भी तरह किसी भी हर हाल में आपको हम बार बार बताते हैं कि परीक्षा देने से पहले 5 मॉडल सेट को आपको कंप्लीट कर ही लेना है। 5 मॉडल सेट जिस बच्चे को याद हुआ समझिए वो तो हल्का मजा देगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था बाबू। तो देखिए यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 1977 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि हरिजन के संपादक कौन थे। तो याद कर लीजिएगा कि हरिजन के जो संपादक थे वह थे आपका कौन, तो महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, तो प्रश्न हम सभी का यही कह रहा है कि होनहार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, होनहार में, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि हार का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, तो होनहार में हार का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, समय काफी कम बचा हुआ आपके पास। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे जो सही शब्द लिखा गया है वह सही शब्द क्या लिखा गया है आपको ये बता देनी है फटाफट से। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है तो फटाफट से जल्दी जल्दी इसका जवाब बता दीजिए। तो बिल्कुल जो इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा क्या चीज, ये 44 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर की प्राकथन जो लिखा गया है, या आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जो आपको सही लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी नहीं फटाफट से करना आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहां से भी आपको सही शब्द का जो है वह चुनाव कर देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा परिणति जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका सही लिखा गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहाँ पे आपको तहसीलदार जो लिखा गया है इसमें से आपको सही शब्द पहचान करनी है। तो तहसीलदारी जो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, तहसीलदारी, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस जो है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि गांधी जयंती के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान है, गुरु नानक का जन्म स्थान जो है कहां पे है। तो ये सभी बच्चे जानते होंगे कहां पे है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी, कि तलवंडी ग्राम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं, अगला नाम प्रश्न सभी क्या कह रहा है, अगला नाम प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान जो है वह कहां है। तो याद कर लीजिएगा कि गुरु नानक का जन्म स्थान जो है वो आपका कहाँ है बाबू, तो आपका है ननकाना साहब में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से याद कर लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, प्रश्न कह रहा है कि कबीर रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है। तो याद कर लीजिएगा बड़ा शानदार क्वेश्चन है, श्री कृष्ण को उन्होंने कहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, यहाँ से शुद्ध वाक्य की पहचान करने के लिए 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझिए कि छप गया है, आएगा ही, अब कोई भी आ सकता है, 5 सेट आपको पढ़ा रहे हैं इसमें से कोई भी आ सकता है, तो ध्यान से जब आप पढ़िएगा समझिएगा तब तो आप बना पाइएगा ना। बिल्कुल यहाँ से आपका ऑप्शन होगा डी नंबर, देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य लिखा गया है, ऑप्शन नंबर का जो ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य, यहाँ पे भी देखिए आपको शुद्ध वाक्य पहचान करनी है, यानी कि 2-3 नंबर के वो शुद्ध वाक्य से आपके एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा यह मेरी किताब है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न से भी गया कि शुद्ध वाक्य, यहाँ से भी आपको शुद्ध वाक्य की ही पहचान करनी है कि यहाँ से आपका जो शुद्ध वाक्य होगा ये शुद्ध वाक्य कौन होगा। तो मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 का लिंग निर्णय क्या होगा, 30
30 का जो लिंग निर्णय है वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, इसका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला नंबर प्रश्न से भी क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न से कह रहा है कि नंद नंद किसे कहा गया है, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की आपकी आदत तो पड़ ही चुकी है बिल्कुल। तो नंद नंद किसे कहा गया बाबू, तो श्री कृष्ण जी को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर आपकी जो तैयारी होगी बाबू वो अधूरी हो जाएगी, फिर आपको बाद में पछता करके क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला क्वेश्चन कि रीति मुक्त काव्य धारा के शिरमौर कवि किन्हें माना जाता है, आपको बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन के जवाब क्या हो जाएगा, घनानंद जी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या करेंगे, जहां प्रतिष्ठा नहीं है वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी, तो बिल्कुल यह जो आपका बात उत्पन्न हुई थी वो बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी, कि जहां प्रतिष्ठा ही नहीं हो, किसी से किसी का मतलब ही नहीं हो, तो फिर वहां रहने से क्या फायदा है, कुछ फायदा है, नहीं फायदा है, बहादुर कैसा लगा था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद कर लीजिएगा कि घनानंद जो है वह नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, अब दिखा देना है आपको एकदम बिहार बोर्ड में एकदम टॉप करके। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, कह रहे कि ढोल का लिंग निर्णय आपको कर देना है, कि ढोल जो होता है उसका लिंग क्या होता है। तो याद कर लीजिएगा कि ढोल का जो लिंग होता है वो होता है आपका पुल्लिंग होता है, क्या होता है, पुल्लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि ठोकर का लिंग निर्णय कर दीजिए, ठोकर का आपको लिंग निर्णय कर देना है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल उसका राइट जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोकर क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि तालाब का लिंग निर्णय कर देना है। देखिए लिंग निर्णय से, संधि विच्छेद से, समास से और वाक्य शुद्ध करना, ये सबसे क्वेश्चन आपके आएगा उपसर्ग और प्रत्यय से, तो आपको ध्यान देना है इन सारी क्वेश्चन पे। तो तालाब जो आपका स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा है। प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है, कवि प्रेमघन को जो है भारत में क्या दिखाई नहीं देता है बाबू, तो याद कर लीजिएगा कि भारतीयता दिखाई नहीं देती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और वाकई बात यह सही भी है, अब भारतीयता जो है वह भारत के लोगों के अंदर अब नहीं रही है, सब चीज जो है विदेशी चाल चलन या हर चीज जो है विदेशी हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की हम लोग, फिलहाल हम लोग फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि समय काफी कम है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि डफाली का अर्थ जो होता है वह क्या होता है बाबू, तो डफाली का जो अर्थ होता है वह याद कर लीजिएगा, डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला, क्या होता है बाजा बजाने वाला, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज, सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत माता का आंचल कैसा रहा, तो भारत माता का जो आंचल है वो कैसा है, तो धूल भरा है, कैसा है बाबू, तो धूल भरा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा का डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। जब तक 5 सेट कंप्लीट नहीं होगा, 500 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, कहीं नहीं जाना है, ठान लेना है कि जब तक समाप्त नहीं होगा कहीं नहीं जाना है। एक दो बार वीडियो देखिएगा, 500 क्वेश्चन याद हो जाएगा आपका, समझिए कि आप धमाल बजा देंगे परीक्षा में। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिभा उदासी किसे कहा है, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब हो जाएगा वो भारत माता को कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और दिया गया था उर्वशी, क्या दिया गया था, उर्वशी जो आपका क्षेत्र होता है, उर्वशी के लिए आपको दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि जनपद का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है, जिसका बिल्कुल ही बिल्कुल होगा और का राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता को कहा गया है, ऑप्शन नंबर आपका ई जो होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं हम लोग, तो इसका जो सही अर्थ में होता है, आखिर इसका अर्थ जो होता है क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अपराधी स्वतः, यानी कि अपने आप आशंकित रहता है, यानी कि वो डरा रहता है। अगर देखिए कोई भी अगर चोर होगा या कोई भी अगर काम किया होगा, अगर उसको पकड़ने के लिए बात किया जाए 10 लोगों के बीच में होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, स्वतः आकर्षित होगा, यानी कि उसके अंदर संसा कुछ बना होगा। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस चले पगुराए, इसके कहने का मतलब क्या होता है? भैंस का मतलब बीन बजाए, अब भैंस चले पगुराए, इसका मतलब क्या होता है कि आप कितना भी किसी को समझा लीजिए, लेकिन मतलब कि वो समझिए कि उस पर कोई अच्छा नहीं पड़ेगा। यानी कि मूर्ख को कितना भी समझाएं, उसको ज्ञान देना या कुछ भी कहना, क्या वो व्यर्थ है? ना बिल्कुल, वो व्यर्थ है। यही आपका होता है भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस चले पगुराए। बताया जा रहा है बाबू आप लोगों को कि समय काफ़ी कम है, फिर भी आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो तैयारी कीजिए। समय बस आपका एग्जाम होने ही वाला है, समझिए आप। अब ऐसा समझिए कभी भी कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एक एक मिनट आपके लिए, एक एक सेकेंड आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सब कुछ छोड़ दीजिए, जो भी आपके पास गलत काम है सारा छोड़ दीजिए, बस जो समय है आपका पेपर बीत जाएगा फिर कीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप पढ़ाई पे मन लगाइए, ध्यान लगाइए बहुत जबरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का जो सही अर्थ होता है बाबू क्या होता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है अपना ऐब छोड़ करके दूसरों का ऐब देखना। इसका मतलब क्या कि अगर आपके अंदर कोई ऐब है, आपके अंदर कोई अवगुण है और आप किसी और को आप दोषी ठहरा रहे हैं या किसी और को अवगुण देख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि आप कहां पे हैं, लेकिन किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं, यही होता है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी शानदार प्रश्न है, काफी कम समय है, फटाफट से देखिए कितनी मेहनत करना, लगातार आपको क्लास चल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं लगातार हम क्लास करा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपका तैयारी आपका जबरदस्त हो जाए बाबू। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, मेहनत हमारा शिकार कीजिएगा, गर्दा रिजल्ट आइएगा, धमाल रिजल्ट आइएगा, मार सरस्वती आपके पास साथ है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा। अगला प्रश्न, और जितने भी सब्जेक्ट का नहीं देखें, सारा सब्जेक्ट अपलोड हो चुका है, फटाफट से देख लीजिए, जो बाकी है उसे अपलोड कर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि आगे का मूल निवास जो है वह कहाँ था बाबू? इसका राइट जवाब आपको बता दे रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, पंजाब है। कहाँ बाबू? वह पंजाब है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगे के पिता का क्या नाम था? तो याद कर लीजिएगा कि अगे जी का जो पिता का नाम था, वो पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? कवि ने पगड़ी का प्रतीक जो है किसे माना है बाबू? तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वृक्ष के ऊपर भाग में फूल पत्ती पतिदार जो युक्त टहनिया होती है उसे माना है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जा रहा है। कई जगह तो एक ही मॉडल सेट को बार बार पढ़ाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, तो वैसे नहीं, आप पांच सेट कंप्लीट कीजिए, जैसे आपको पूरी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि आखिर परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है। बस आप क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट बस इतना पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम आसानी तरीके से निकल जाएगा, कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। अगला, ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू हो चुका है और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन जो चैनल का नाम है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए फटाफट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के कोई भी चीज यहाँ पे आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहाँ पे, लाइव टेस्ट भी, हर चीज शुरू हो चुका है। बहुत खुशी की बात है, देखिए समय आपके पास काफी कम है, तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल और आकर के आप अपनी बेहतरीन यहाँ से तैयारी कीजिए। तो फटाफट करिए, देर मत करिए, और एक नहीं पूरे 5 सेट आपको यहाँ पे मिलेगा, ऑफिसर सेट हो गया, मॉडल सेट हो गया, सारा चीज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ने रहता है? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ने रहता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वृक्ष। कौन रहता है? वृक्ष रहता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि आंख खुलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि होश में आना। क्या होना? आंख खुलना यानी कि होश में आना, पहले आप बेहोश थे, मतलब किसी चीज को समझ में नहीं आ रहा है और बाद में वो आंख खुल गया उसका, मतलब उसको समझ में आने लगा सारी चीज। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतापी तेजवान तेजोमय किसके पर्यायवाची है बाबू? आपको ये बताना है, बाकी काफी शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा तेजस्वी का है। ठीक है, तेजस्वी का है, बिल्कुल आप समझ आए क्या चीज, बी नंबर बिल्कुल। चलिए, आरजेडी के नेता भी हैं तेजस्वी जी। अगला क्वेश्चन कि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको ये बताना है, वीरेन डंगवाल का जो जन्म हुआ था वो याद कर लीजिएगा, हुआ था 1947 में। कब? तो 1947, चलिए, जब आजादी मिली। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि वीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वीरेन डंगवाल का जो जन्म हुआ था वह उत्तरांचल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अनामिका किस विभाग में ये
प्राध्यापिका थी यानी प्रिंसिपल थी, आपको ये बताना है प्रधानाध्यापिका थी कि अनामिका किस विभाग में, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि वो अंग्रेजी विभाग में थी। कौन विभाग में थी? अंग्रेजी विभाग में थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या सी नंबर। अभी तो आपको विभाग ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आगे जाइएगा जब ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि विभाग क्या होता है, बटे रहते हैं, जैसे कि हर विभाग के अलग अलग टीचर होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, इतिहास हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सबका अलग अलग टीचर होते हैं, सबका अलग अलग विभाग होता है। चलिए आगे समझ में धीरे धीरे आपको भी आते चला जाएगा। फिलहाल आपका समय है एग्जाम पास करना और फिर आगे की पढ़ाई करना, गर्दा मचाना, धमाल मचाना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गलत पते की चिट्ठी किनकी है, गलत पते की चिट्ठी, माफ कीजिएगा, गलत पते की चिट्ठी जो है वह किनकी रचना है, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा अनामिका की है। किसकी है? अनामिका की है, यानी कि ऑप्शन और जो आपका डी नंबर दिया गया, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो जीवनानंद दास की जो जन्म हुआ था वो था 1899 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वन लता सेन किसका काव्य संकलन है, वन लता सेन किसका काव्य संकलन है, तो इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा जीवनानंद दास की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से समय काफी कम है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा तब तक कहीं पे जाने वाले नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे, किसके बिना प्रभु जो है गृहहीन होंगे, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि दास के बिना जो है प्रभु हमारे क्या होंगे, वो गृहहीन होंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सी नंबर आपका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि झंझावात किसका परिवाची जो है शब्द होता है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा तूफान का है। किसका बाबू? तूफान का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उनिदा का परिवाची जो शब्द होता है वह क्या होता है, तो उनिदा का जो परिवाची शब्द होता है बाबू, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसका राइट जो जवाब हो जाएगा होता है आपका निद्रालु होता है। क्या होता है? निद्रालु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंत का परिवाची क्या होगा, अंत का जो परिवाची होता है वह अंत का परिवाची क्या होता है, तो अंत का परिवाची होता है फासला। क्या होता है? अंत का होता है फासला, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है, प्रभु के पादुका की जो संज्ञा है वह किसे दी गई है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दास को दी गई। किसको दी गई है? दास को दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि मंगमा क्या बेचती थी, तो याद कर लीजिएगा मंगमा जो है वह दही बेचा करती थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख जो पात्र है वह प्रमुख पात्र कौन है, तो दही वाली मंगमा का जो है प्रमुख पात्र यानी कि मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा ही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको गजब की तैयारी करनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो बिल्कुल इसके राइट जवाब हो जाएगा कि पिता के हाथों से हमेशा जो पिटाई खाते रहता था, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के किनारे था, लक्ष्मी का घर ठीक है किस नदी के बांध के किनारे था, तो आप सभी को पता है कि देवी नदी के था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है सभी का कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था, तो लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए जो है वह अच्युत को भेजा था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनृत का विलोम जो शब्द होता है वह क्या होता है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब अनृत होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला प्रश्न है कि रज्जू का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, रज्जू का विलोम शब्द होता है वक्र, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न में सभी कह रहा है कि करुण शब्द का विलोम जो होता है क्या होता है, तो करुण शब्द का जो विलोम होता है बाबू, वह करुण शब्द का विलोम होता है निष्ठुर, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की,
तो अगला नवा प्रश्न हम सभी का कह रहा है ये कि मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू जो है बाबू वो किस कहानी की पात्र है, आपको ये बताना है। तो मंगू जो है माँ कहानी की पात्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में जो है किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ का ही ममता का वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है नगर कहानी का प्रमुख जो पात्र है वह कौन है। तो नगर कहानी के जो प्रमुख पात्र है वह कौन है, पपाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, इस मॉडल सेट का अभी तो क्वेश्चन बाकी लगा है, पूरा 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं ये, तो अभी 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कह रहे कि 3 सेट कंप्लीट हो गया, 2 सेट और कंप्लीट करने लगा है, जब तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च के देने के रूप में उन्होंने तय किया था। तो महज 50 रुपए एक एक को, यानी कि इस तरीके से उन्होंने 150 रुपए की बात की कि 150 रुपए माँ को दे दिया जाएगा और उनका काम चल जाएगा, यानी कि उन्हें 150 रुपए देने की बात की गई थी। 50-50 रुपए तीनों मिला करके देते थे, यानी कि 150 रुपए बात कही थी, यानी आप समझ आएंगे डी नंबर। चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर मॉडल सेट की। अगला नंबर मॉडल सेट क्या है, मॉडल सेट 4 और मॉडल सेट 5 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5 सेट आपका कंप्लीट होगा ना, समझिए आप धमाल मचा देंगे, आपको 5 सेट इसका कंप्लीट हो गया, यानी कि 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं मॉडल सेट अगला क्या कह रहा है। तो ये रहा हम सभी का चौथा सेट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरे 500 क्वेश्चन जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कहीं जाने वाले नहीं है। इस सेट से पूरे 400 हो जाएगा, इसके बाद एक और सेट होगा। जिस प्रकार से हम ठान चुके हैं जब तक पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा कहीं नहीं जाना है, उसी प्रकार से आपको कहीं नहीं जाना है। सीधे आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा बाबू, फटाफट से आपको याद कर लेनी है पूरे 500 क्वेश्चन। चलिए तो प्रश्न कह रहा है, फटाफट से हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध किनके द्वारा हिंदी में ये रूपांतरित किया गया था। आपको फटाफट से इसका जवाब बता दें, यहां पे आपको 4 जो है आपको ऑप्शन दिया गया था, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि ललित सिंह यादव कौन है, अब तो ललित सिंह यादव है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यानी ऑप्शन नंबर हम सभी का क्या कह रहा है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे। नलिन विलोचन जो शर्मा थे वह किस नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है, इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर के, आधुनिक शैली के। क्या शैली के, आधुनिक शैली के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी है, किनकी कविताओं से हुआ है। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा की, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की जो लिपि है बाबू वो आपका है देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी कम समय में हम लोग को पूरे 500 क्वेश्चन याद कर लेने हैं और एकदम सीधे जाके एग्जाम में आपको धमाल मचा देनी है। प्रश्न कह रहा है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है, तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, कंठ होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि व्याकरणों में ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं। आपको ये बताना है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा 5। क्या कितने, तो 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया बी नंबर यहाँ से बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तुलसीदास कौन सी संज्ञा होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुराग किसने किया था, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा मैक्स मुलर ने किया था। कौन किया था, मैक्स मुलर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देने की आपकी आदत लग चुकी है। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर की कार्यकुशलता। क्या हो जाएगा? कार्यकुशलता हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है सभी का, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविदा संपदा प्रकृति से परिपूर्ण देश कहा है? तो वह देश हम सभी का कौन सा देश है? वह भारत देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी हम सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वंश विधा का शब्दार्थ जो होता है वह क्या होता है? तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा होता है मानव शास्त्र होता है। क्या होता है? मानव शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया है, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब की गई थी, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देनी है। बिल्कुल 15 अगस्त, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एकदम धमाल मचाना है। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से कीजिए, सोचिए मत, फटाफट से कर लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्योंकि समय काफी कम है। आप कम समय में आपको टॉपर बनाना है, उसके लिए जबरदस्त तैयारी अब हो गई है। अब तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, वो सारी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। अब ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरे सब्जेक्टिव के साथ अब चलेंगे हम। पहले ये क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि जगदीश में कौन सी संधि है, यहां पे आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि व्यंजन संधि है। कौन सी संधि हो जाएगा? तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निरोग में कौन सी संधि है, आपको ये बताना है। निरोग में कौन सी संधि है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। निरोग में कौन सी संधि हो जाएगा? तो विसर्ग संधि जो होगा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि प्रत्युक्तकार का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है? प्रत्युक्तकार का उपकार का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट जवाब प्रतिधन उपकार होता है, प्रतिधन उपकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहना का हम लोग ये अंग्रेजी में जो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसे कहते हैं सेल्फ डिपेंड्स कहते हैं, यानी अपने आप पे अधीन रहना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर आप बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सेल्फ डिपेंड्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो याद कर लीजिएगा, नागरी लिपि के जो निबंधकार है वो गुणाकर मूल्य है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इतना देर से बोलते बोलते आवाज फंस रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट कराना ही कराना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जिसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल डी नंबर, इसका राइट ही जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी, ये आपको बता दे रही है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर की डिप्टी कलेक्टरी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है, आपको ये बताना देना है। तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाएगा कि वाल उपन्यास की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा? सुक्ति का सही संधि विच्छेद आपका क्या होता है? तो बिल्कुल राइट जवाब सुधनुक्ति होता है। क्या होता है बाबू? सुधनुक्ति होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि नाक कान में कौन सा समास है? नाक कान में जो आपको समास है वह कौन सा समास है? तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसे कि आपको आगे से बताते रहे हैं, माता पिता भाई बहन लोटा दूरी नर नारी, ये जितने हैं वो सारा का सारा क्या होते हैं? ये द्वंद्व समास होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दंत में कौन सा समास है? एक दंत जो है ना, एक दंत में कौन सा समास है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा कि एक दंत आपका क्या है? बहुवृष समास है, जैसे कि एक दंत हो गया, लंबोदर हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये आपका एक बहुवृष समास है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपको स्पेशल हम संधि समास पे वीडियो बना देंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिल जाए। और अगर ये वीडियो लास्ट में देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, समझिए कि वीडियो अपलोड होगा तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस चैनल पर अपलोड होगा। चलिए
अगला प्रश्न है, और हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो जाकर के आप प्ले स्टोर पर लिखिए मंटू सर या फिर डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, वो आप मिल जाएगा ऐप, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आप कहीं भी लिखेंगे डीएलएस एजुकेशन या फिर मंटू सर तो आपको सब जगह हम उपस्थित हैं, वहां पे मिल जाएगा, वह गूगल हो यूट्यूब हो हर जगह मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहिता सापेक्षा सापेक्ष रूप में होता है, क्या चीज होता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर के स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरे यूरोप को ही प्रभावित कर दिया था? तो वह देश था, याद कर लीजिएगा, एंथेस था। कौन सा देश? एंथेस एक देश है, वही था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है आपको ये बताना है, तो इसका बिल्कुल ही जो होगा वो राइट जवाब हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के वंशज थे? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो होगा हो जाएगा कि वह सातवीं पीढ़ी के संतान थे या वंशज थे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में क्या चीज प्रधान होता है आपको ये बताना है, तो याद कर लीजिएगा कि तत्पुरुष समास में जो होता है वो कौन सा पद प्रधान होता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दूसरा पद हो जाएगा, यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे दूसरा पद दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा पद या फिर अंतिम पद। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में, तो प्रत्यक्ष में जो समास है वह है आपका अव्यय भाव समास है, ठीक है, अव्यय भाव समास हो जाएगा, या फिर यथाशक्ति आपके देता है तो यथाशक्ति भी आपका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहे कि अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग कौन होता है, शब्द में पहले जुड़ते हैं, तो उपसर्ग यहाँ से आपको बता देना है छाट करके, फटाफट से यहाँ पे कमेंट करके बताइए, फटाफट से नहीं पता है तो याद कर लीजिए। बिल्कुल अत्याधुनिक में हो जाएगा अति उपसर्ग दिया गया, क्या दिया गया, अति उपसर्ग दिया गया, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अत्याचार में किस उपसर्ग का हुआ है? अत्याचार में, तो फिर यहाँ पे भी आपको अत्याचार में अगर हम बात करते हैं तो अत्याचार में भी वही हो जाएगा, ठीक है, अत्याधिक में या फिर अत्याचार में आपका अति उपसर्ग लगता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है या कृति जो है किसकी कृति है आपको ये बता देना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब आपको फटाफट से कमेंट करना है बिल्कुल, या अशोक वाजपेयी जी के है, अशोक वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है? कुमार जो गंधर्व जी हैं वो कौन है आपको ये बताना है, तो कुमार गंधर्व जो है वो है शास्त्रीय गायक है, क्या है वो, तो शास्त्रीय गायक है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि संतु के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? जो संतु था ना, संतु के घर से 3 मील दूर जो थी वह कौन सी नदी थी, तो वह नदी थी मोहरा नदी। कौन सी नदी थी? मोहरा नदी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा, और फिर आपको आगे से अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी तो फिर आप भटकते रह जाइएगा, तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी बड़ा ही अफवाहें चलती रहती है, फिर गलत चीज चलते रहती है, तो सबसे सावधान रहिए आप लोग, ठीक है, पहले ही आपको कहते हैं हम बहुत दिनों से समझाते आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, संतु क्यों उदास हो गया था? जो संतु था ना, वो संतु क्यों उदास हो गया था? मछली के कट जाने से, जब वो सुना, जब ये जाना कि मछली अब कट जाएगी, तो वो उदास हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं, यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? यतीन्द्र मिश्र जी, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका कवि के रूप में है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए दिया नंबर दिया गया ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से अगले नंबर प्रश्न की, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी कह रहा है कि अनुचर में उपसर्ग बताइए। अनुचर जो होता है ना, उसमें आपको ऑप्शन ये आपको उपसर्ग बता देना है कि अनुचर में जो आपका उपसर्ग होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अनुपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में एक उपसर्ग बताइए, तो प्रकृतिक में उपसर्ग आपको बताना है, तो फटाफट से कमेंट कर देना है, तो बिल्कुल इसका राइट नंबर का प्र उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृतिक में आपका प्र उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बड़े ही शानदार प्रश्न है कि राख नहार में
नाहर में प्रत्यय है, राख नाहर में प्रत्यय आपको बताना है, प्रत्यय यहाँ बताना, ठीक है, यानी कि नहर में प्रत्यय, नहर में प्रत्यय आपको बताना है कि प्रत्यय जो होगा क्या होगा, प्रत्यय कौन होते हैं जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं, तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा हार, क्या है, हार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको जो ए दिया गया ये ए आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हंसने वाला में कौन सा, हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय है, तो हंसने वाला, हंसने वाला में जो प्रत्यय की बात की जा रही है तो हंसने वाला में प्रत्यय आपका वाला प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपको राइट जवाब हो जाएगा। देखिए सिंपल है यार, देखिए उपसर्ग पूछेगा तो जो शब्द में पहले जुटेगा वो हो जाएगा, प्रत्यय पूछेगा तो बाद वाला शब्द हो जाएगा, जैसे कि हंसने वाला, वाला बाद में आ रहा था, बाद वाला हो गया आपका उपसर्ग, ये प्रत्यय हो गया। चलिए तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहां से निम्नलिखित में से जो क्या करना है, सही शब्द का आपको चुनाव कर देना है, यानी कि सही शब्द क्या है, तो बिल्कुल यहां से जो आपका लिखा गया जल्दी ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में जो जल्दी लिखा गया ये जल्दी आपका बिल्कुल राइट जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका तीन, क्या है, तीन जो है आपको प्रकाशित हो चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे, आपको यह बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्तकारी या उद्योग के, किसके, तो दस्तकारी या उद्योग के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या किसकी रचना है, आपको ये बताना है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी की, किसके, तो महात्मा गांधी की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि गुरु नानक के पिता कौन थे, गुरु नानक जी के जो पिता थे वो गुरु नानक जी के पिता कौन थे, वह कालू चंद खत्री थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे यह रहा कि गुरु नानक जी की माता जी का जो नाम था वह क्या था, तो गुरु नानक जी के माता जी का नाम जो था वह था तृप्ता, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ई नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एकदम आपको जब तक 500 क्वेश्चन 5 सेट कंप्लीट होता कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, आप पूरा देख लीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहां से आपको क्या करना है, सही शब्द का चुनाव कर देना है, तो बिल्कुल यहां से आपको चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन से आपको चूज करके बताना था, बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, उन्नति, जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव करना है, यहां से आपको क्या करना है, सही शब्द बताना है, तो बिल्कुल यहां पे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, अस्थाई जो लिखा गया यहां पे बी नंबर सही लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए यहां पे भी आ गया शुद्ध शब्द पहचानने के लिए, तो शुद्ध शब्द यहां पे आपको पहचाना है कि यहां पे शुद्ध शब्द जो होगा वह कौन सा होगा, तो जो यहां पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि तुम्हारे कुल्हाड़ी में कितने बजे, तुम्हारे घड़ी में कितने बजे हैं, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर एक और क्वेश्चन है और इतने भी यही कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, यहां से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आज मुझे बाजार जाना है, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि आज मुझे बाजार जाना है, ये सही वाक्य आपको लिखा गया है। और इसके बाद यहां पे देखिए अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कि यहां से अब आपको बताना है कि अशुद्ध जो वाक्य होगा वह अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अब यहां से आपको छांटना है, चार आपको ऑप्शन दिया गया, तो बिल्कुल यहां से जो ऑप्शन आपका दिया गया ए नंबर में कि मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, ये आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ये आपका गलत है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है, रसखान जो है वह चितचोर जो है वो किसे कहा दिया था, तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वो श्री कृष्ण जी को कहे थे, चितचोर किसे कहे थे, श्री कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण को, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि लकुटी का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, लकुटी का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, छोटी लाठी होती, क्या होती है, छोटी लाठी होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि मोहम्मद दशा रंगीले के यहाँ करते थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि घनानंद किस नर्तकी को
नर्तकी को प्यार करते थे, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो करते थे सुजान को। किसको करते थे? सुजान को करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया, ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन आपको जो है ये कासूत से लिया गया है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट होगा हंस। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न ये आएगा, फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि अपेक्षा का लिंग निर्णय जो होता है वह क्या होता है? तो अपेक्षा का जो लिंग निर्णय होता है वो होता है आपका क्या चीज? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अभिमान का लिंग निर्णय क्या होता है? अभिमान का जो लिंग निर्णय होता है, याद कर लीजिएगा कि पुलिंग होता है, वो क्या होता है? पुलिंग होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि आंख का लिंग निर्णय क्या करें? आंख का जो लिंग निर्णय है, यानी कि आंख क्या है आपको ये बताना है, तो वह आपका स्त्रीलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नया प्रश्न कह रहा है कि तलाक का लिंग निर्णय कर दीजिए। तलाक जो होता है ना, वो तलाक का लिंग निर्णय कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका पुलिंग, आपका ए नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना मेहनत लग रहा है आपके लिए, तो फटाफट से कर दीजिए जिससे कि मनोबल बढ़े और आपके लिए और भी अच्छा काम कर सके। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? भारत सौभाग्य के जो रचनाकार है वो याद कीजिए कौन है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। जिसको याद नहीं हो याद कर लीजिए, बद्री नारायण चौधरी, यानी कि प्रेम घन जी है। कौन है? प्रेम घन जी, यानी कि उनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेम घन की जो रचना है वह क्या है? प्रेम घन की जो रचना है बाबू वह क्या है? तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि प्रयाग रामागमन है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है ये आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, समय काफी कम है और लाइव टेस्ट वगैरह देना शुरू हो चुका है मॉडल सेट का, तो जल्दी से वेबसाइट पर सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको ऑफिशियल वाले पे जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहां हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ था वो याद कर लीजिएगा, सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था कैशानी में, यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया गया ए नंबर, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहे हैं कि पंत जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था? तो पंत जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर 1977 को, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि रसमंती के रचनाकार कौन है? ये रसमंती का जो रचनाकार है वह कौन है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब है कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? तो दिनकर जी हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कान फूंकना का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आमतौर पर यह कहा जाता है कान फूंकना, ठीक है, उसका काम कान फूंक रहा है इसका मतलब क्या होता है? जिसका जो मतलब होता है याद कर लीजिएगा कि चुगली करना होता है। क्या होता है? चुगली करना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए कह रहा है कि गाल बजाना, गाल बजाने का ये अर्थ क्या होता है? तो गाल बजाने का अर्थ जो होता है वो आपका जो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा आपका डिंग हाँकना। क्या होता है? डिंग हाँकना, यानी कि लंबा लंबा फेंकना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना का मुहावरे का अर्थ होता है क्या होता है? और आमतौर पर इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब कि बहुत ज्यादा अनुभवी होना, यानी कि बहुत ज्यादा उनके पास क्या है? अनुभव है हर चीज काम का, यानी कि बहुत जगह वह गए हुए हैं, बहुत जगह बहुत सारी चीजों का उनके पास अनुभव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि घुटने टेक देना, घुटने टेक देने का मतलब क्या हो रहा है? कि आपने घुटने को टेक दिया है, यानी कि आपने हार मान लिया है। क्या कर लिया? हार मान लेना है। घुटने टेक देने का मतलब होता है हार मान लेना, किसी भी काम में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी की रचना जो है वो कौन सी है? तो देखिए याद कर लीजिएगा, दिनकर जी की रचना है वो उर्वशी जो है वो उनकी रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि आगे की मृत्यु कब हुई थी? आगे की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? आगे की मृत्यु हुई थी 1887, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा आगे के किस काव्य संग्रह से यह संकलित है? तो इसका बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाएगा कि सदा नीरा की है। किसके है? सदा नीरा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अब आपके अंदर खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथी, अब आपके एग्जाम में एकदम समय नहीं केवल आपको अब एग्जाम में देना है, बहुत ही मतलब कि कम समय बचा हुआ है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता है? घर के दरवाजे पर हमेशा तैनात कौन मिलता था? तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बूढ़ा वृक्ष जो है हमेशा मिला करता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का, वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है?
तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे करें कि व्यग्र का परिवाची जो होता है वह क्या होता है, व्यग्र का परिवाची। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अधीर होता है। क्या होता है? अधीर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि इंद्राणी के परिवाची जो शब्द होता है वह क्या होता है, तो इंद्राणी का जो परिवाची शब्द होता है वह कहता है सची। क्या होता है? सची होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है, कवि ने जो है वह राइफल की संज्ञा किसे दी थी, तो दी थी वृक्ष की सूखी डाल को दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, समय काफी कम है ऐसे में आपको गजब की तैयारी करनी है। अगला देखिए प्रश्न, करके वीरेन डंगवाल ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है, वीरेन डंगवाल जो है किस विद्यालय से एमए कर लिया था, तो इसका बिल्कुल जो होगा राइट जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इलाहाबाद से उन्होंने किया था। किस कहां से किया था? तो इलाहाबाद से किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि वीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल वीरेन जो डंगवाल थे वह आपका थे इसका क्या नाम है, अमर उजाला का, किसके अमर उजाला का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि अनामिका किस काल की कवित्री है, जो अनामिका है ना वह किस काल की कवि है, तो अनामिका जो है समकालीन के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले देखिए प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि चौकट में बेटे का क्या नहीं आटता है, ठीक है, चौकट में बेटे का क्या नहीं अटता है, तो बिल्कुल ही इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कि क नहीं अटता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, आपको ये बताना है, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि वो बंगला के हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि झरा पालक किनकी रचना है, झरा जो पालक है वह किनकी रचना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वो जीवनानंद दास की है, किसके है, जो जीवनानंद दास की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दौन नोटबुक ऑफ माल्टे लाइडस ब्रिज किसका उपन्यास है, आपको ये बताना है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और इसका राइट जवाब हो जाएगा रेनन मारिया रिल्के का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है सभी प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि तलवार का परिवाची जो होता है वह क्या होता है, तलवार का परिवाची क्या होता है, तो याद करिएगा तलवार का जो परिवाची होता है वह ये आपके क्या हो जाएगा, करवाल होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अनूढ़ा किसका परिवाची है, अनूढ़ा जो है वह किसका परिवाची है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, यह आपका कुमारी का, क्या है, कुमारी का, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए प्रश्न क्या है, हम सभी क्या कह रहा है कि कृतज्ञ निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है, कृतज्ञ जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका राइट जवाब हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा ये कृतज्ञ आपका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कृष का विलोम जो शब्द होता है वह क्या होता है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका जवाब आपको बता देना है, याद कर लीजिएगा, ये देखिए पुष्ट और स्थूल ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब यहां से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन अपना अर्थ खो बैठेगा, कौन जो है अपना अर्थ जो है वह खो बैठेगा, वह है भगवान जो है अर्थ अपना क्या करेंगे वह खो बैठेंगे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि दही वाली मंगवा किस कहसार से दही बेचा करते, किस शहर में दही बेचा करती थी, जो दही वाली मंगवा है जो कि श्रीनिवास लिखे हुए हैं, ठीक है, अब बी एन नारायण उसको संपादित किए हुए हैं, तो दही वाली मंगवा किस शहर में जो है वह दही बेचा करती थी, आपको ये बताना है, तो बिल्कुल वह बेचा करती थी आपकी बेंगलुरु में, कहां बेची करती थी, बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा करता था वो देखा करता माँ के रूप में, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दही वाले मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है, तो दही वाली जो मंगमा है वो मूलतः जो है कन्नड़ भाषा में लिखित है, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि मां मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रश्न है कि कर्कश का विलोम जो होता है वह क्या होता है, तो कर्कश का विलोम होता है, याद कर लीजिएगा, कर्कश का विलोम होता है मधुर। क्या होता है? मधुर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि खंडन का विलोम शब्द जो होता है वह क्या होता है, खंडन का विलोम शब्द, तो जो खंडन होता है ना, खंडन का विलोम होता है मंडन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यही नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, आपको ये बताना है। तो ये इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देली बांध को मजबूत कर रहे थे, जिससे कि बांध ना टूटे और पानी ना आए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि मां कहानी का प्रमुख जो पात्र है वो कौन है, मां कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो कौन है बाबू, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब मंगू है। कौन है? मंगू है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मंगू कैसी लड़की थी, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मंगू देखिए याद कर लीजिएगा कि पागल और गूंगी लड़की थी, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। फटाफट से चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पपाती किसकी बेटी थी, तो पपाती याद कर लीजिएगा जो पपाती थी वह बली अमाल की बेटी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ का 100 नंबर प्रश्न कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसके ये राइट जवाब होगा सावरदैया के है। तो इस तरीके से आपको 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया, अब भी बाकी है बस एक सेट और, यानी कि 100 क्वेश्चन आइए और पढ़ लेते हैं हम लोग और पूरे 500 क्वेश्चन याद हो जाएगा। जिस बच्चे को 500 क्वेश्चन याद हो गया समझिए वो बच्चे धमाल मचा देंगे। तो आइए देखते हैं पांचवा सेट क्या है, यानी देखिए हम आपको एक चीज आंकड़ा बता देते हैं, देखिए एक सेट में हम 100 क्वेश्चन बता रहे हैं, इस तरीके से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से 5 सेट आपको बता रहे हैं, तो 500 क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक याद हो गया। तो जिस बच्चे को 500 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से याद हो गया समझिए कि वो तो हल्का मचा ही देगा। ये देखते हैं अगला सेट हम सभी का क्या कह रहा है, तो ये रहा हम सभी का पांचवा मॉडल सेट, अब इस तरीके से पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फटाफट से इसे कर लेते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगर आपको पता है इन सभी प्रश्न का उत्तर तो आप लोग फटाफट से नीचे कमेंट करके बताते भी रहेंगे। चलिए तो प्रश्न कह रहा है कि सचिन लोकतंत्र का पर्याय जो होता है वह क्या होता है, आपको यहां से 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको फटाफट तरीके से यहां पर जवाब देनी है। और जिस बच्चे को समझिए कि 5 सेट याद हो गया यानी कि 500 क्वेश्चन याद हो गया समझिए वो तो हल्का मचाएंगे बाबू बिल्कुल। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय होता है भाईचारे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है, आपको यह बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया यार लाइक करो यार, इतना मेहनत लग रहा है, पूरे 5 सीट आपको लगातार कंप्लीट कराई जा रही है, तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न सभी का कह रहा है कि नलिन मूलचंद शर्मा ने एमए जो है किस विश्वविद्यालय से किया था, आपको ये बताना है, जो कि बड़ी शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका राइट जवाब हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय से किए थे। कौन किए थे, कहां से किए थे, तो पटना विश्वविद्यालय से किए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है, धमाल मचाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि नलिन बिलोचन जी का जन्म जो मृत्यु जो हुआ था वह कब हुई थी, तो नलिन बिलोचन जी का मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आपका 1931 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी के कह रहे हैं कि रोमन लिपि क्या है, तो देखिए रोमन जो लिपि है ना वो रोमन लिपि है, वर्णात्मकता लिपि है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। पूरे जब तक 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता आपको कहीं नहीं जाना है बाबू। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि स्थिर कौन सी संज्ञा है, स्थिर जो है ना वह कौन सी संज्ञा है, तो याद कर लीजिएगा वह भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन हो जाए क्या जी बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि घी कौन सी संज्ञा है, घी जो है ना वह कौन सी संज्ञा है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा घी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे नापा या तोला जा सके परंतु गिरा ना जा सके बिल्कुल। तो अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और भारत से हम क्या सीखे उस चैप्टर से ये लिया गया है, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बताइए, तो बिल्कुल इसका राइट क्या बिल्कुल, तो वारन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें से कौन सी भाषा जो है वह सबसे अहम है,
वो अहम सबसे भाषा कौन सी है, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की वो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा आया, तो वो संस्कृत भाषा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, वो संस्कृत को ही कहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना हुआ था, तो दधीची हड्डी के, दधीची ऋषि के, यानी कि दधीची मुनि के वज्र से बना हुआ था, ये आपका हड्डी से बना हुआ था वज्र, यानी ऑप्शन क्या जी सी नंबर का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि कल्पलता किसकी रचना है, आपको ये बता रहा है कल्पलता किसकी रचना है, तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि उज्जवल का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा, तो उज्जवल का संधि विच्छेद होता है उत्तधन ज्वल, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि तृष्णा में कौन से संधि है, तृष्णा में जो संधि है वह कौन है, तो तृष्णा में जो आपका संधि है वह आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, वह व्यंजन संधि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए बाबू आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, समय काफी कम है, फटाफट से 5 सेट आप कंप्लीट कर लीजिए मात्र एक वीडियो में, कहीं जाने की कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहे हैं सदाचार में कौन सी संधि है, सदाचार में जो संधि है आपको वह संधि कौन सी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह व्यंजन संधि है, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, तो देखिए तिरस्कार को जो संधि विच्छेद होता है वह तिरह धनकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, तो अगले नंबर प्रश्न सभी कह रहे हैं कि गुड़ाकर मुले का जन्म हुआ था, कब हुआ था गुड़ाकर मुले का जन्म, तो बिल्कुल गुड़ाकर मुले का जो जन्म हुआ था 1935 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ए नंबर, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, जो कि बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब भीमराव अंबेडकर जी के है, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि गुड़ाकर मुले की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो गुड़ाकर मुले की शिक्षा की जो भाषा है वही मराठी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है बाबू, तो बहादुर का जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, लेकिन लेखक की पत्नी जो है वो दिल बहादुर से दिल शब्द को हटा दी, केवल उनका नाम जो है बहादुर पड़ गया जब लेखक के घर वो आए, कौन बहादुर आया था तब। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर किसके मार्ग से भाग कर लेखक के घर आया था, तो माँ के मार्ग से भाग कर आया था, उसकी माँ जो थी मार दी थी भैंस को मारा था, तो ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंकज में कौन सा समास है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और पंकज में जो समास है वह बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी कह रहे हैं किस समास में पहला पद अव्यय होता है, तो देखिए अव्यय भाव में ही पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्माधर्म में समास बताना है आपको, तो देखिए धर्माधर्म में जो आपका समास हो जाएगा इसमें भी आपको ये द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि प्रतांक में समास आपको क्या होगा, प्रतांक में जो आपका समास होगा वो आपका समास क्या होगा आपको ये बताना है, जो कि बिल्कुल आपका मतलब कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन होगा और इसका राइट जवाब जो हो जाएगा आपका अव्यय भाव समास, क्या हो जाएगा अव्यय भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाना है। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका जो है निर्णायक है आपको ये बताना है, तो 27 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रतिभाशाली मनुष्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और देखते हैं कि शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की आपका आदत तो पड़ चुकी है, तो जल्दी से दीजिए बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि 1917 की क्रांति, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज, तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब।
अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी, बिरजू महाराज को जो किसमें महारत जो हासिल थी वो किसमें हासिल थी, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हासिल थी उनको किसमें, तब कथक में, कथक में थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ ये नाचा करते थे, डांस किया करते थे, तो वह थे आप कितने उम्र थी उनकी, तो लगभग 6 वर्ष की उम्र थी, यानी कि 6 वर्ष थे, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उपासना में, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि उपासना में उप उपसर्ग आ जाएगा, यानी बी नंबर आपका जो बिल्कुल होगा वह राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्यात में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग होगा, निर्यात में, तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द में पहले जुड़ते हैं, तो निर्यात में जो आपका राइट जवाब होता है वो हो जाएगा आपका निरुपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कंजूसी मत करो यार, अभी तक में फटाफट से कर दीजिए, पूरे जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे लाइक करेंगे, एक साथ पूरे लाइक करेंगे, वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे और एकदम कंटिन्यू देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा नी, क्या हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा, नी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ई नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे परी का उपसर्ग हुआ है, यानी परी का प्रयोग किया गया, परी उपसर्ग का, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्तव्य में प्रत्यय आपको बताना है, कर्तव्य जो है ना उसमें आपको प्रत्यय बताना है, उसमें आपका प्रत्यय जो होगा वह क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा तव्य, देखिए कर्तव्य में प्रत्यय क्या होगा, तव्य प्रत्यय हो जाएगा जो शब्द में अंतिम में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, कौन सा था ईसाई मठ था, वो कौन सा ये मठ था, तो इसका बिल्कुल बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाएगा वो याद कर लीजिए फटाफट से, तो लाल शत्रुज था, क्या है लाल शत्रुज, यानी ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी नंबर, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है, आपको ये बताना है, तो 37 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी की है, किसकी है बाबू, तो अशोक वाजपेयी की है, दिमाग में बैठा लीजिए, सीधे जैसे ही परीक्षा में आएगा प्रश्न आपको तहलका मचा देनी है, धमाल मचा देनी है, फटाफट से आंसर करके चली आनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई है, सेन साहब ने किसे जो है खूब फटकार लगाई है, तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वह गिरधर लाल को लगाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा जो आपका ए नंबर होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न हम सभी कह रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा था, जो संतु है ना वो भीगने से ये बचने के लिए, मतलब भीग ज्यादा बारिश आ रही थी जब वो मछली खरीदने गया था, तो कहां पे रुके हुए थे, आपको ये बताना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा मकान के नीचे, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि पिताजी किससे नाराज थे, जो पिताजी थे वो किससे नाराज थे, भगु से नाराज थे पिताजी, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से समय काफी कम है, अब बस 100 क्वेश्चन जैसे होगा वैसे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत अब कम क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, जिसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा गिरिजा लिखी हुई है, यानी ऑप्शन आपका जो ए होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से सही शब्द आपका चुनाव कर रहे थे, बिल्कुल यहां से दे दिया गया मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, मृत्युंजय जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, यहां से भी आपको सही शब्द का ही चुनाव करना है, तो यहां से सही शब्द के चुनाव जब कीजिएगा तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि निदर्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का काफी कमाल का प्रश्न है, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए, तो सही शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा अस्पृश्यता, जो ऑप्शन नंबर जो डी नंबर लिखा गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र बिमला देवी फाउंडेशन का संचालक कब से कर रहे थे, तो इसका बिल्कुल जो ये राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के 1999 से, कब से, तो 1999 से, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब।
अगला देख सकते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। आपको यह बताना है तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि चरित्र निर्माण होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका जो डी होगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि कोई संस्कृति कब तक जिंदा नहीं रह सकती है, आपको यह बताना है तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा अगर वह दूसरे पर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे तब वह जिंदा नहीं रह सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिख धर्म के परिवर्तक जो थे वो कौन थे। तो याद कर लीजिएगा सिख धर्म के जो परिवर्तक थे वो आपका थे गुरु नानक जी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि बाबर की, किससे हुई थी, बाबर से, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, रसखान जो है वह किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब दिया हो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि समया छंद में थे। कौन से छंद में थे, तो समया छंद में थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल्दी से वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध जो वाक्य है उसे आपको छांट दीजिए। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि एक चाय का प्याला लाओ, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ से भी आपको अशुद्ध शब्द का ही चयन करना है, क्या यहाँ पे अशुद्ध शब्द जो होगा वह कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है कि ईश्वर के अनेकों रूप हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचान करनी है, यहां से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान कर देनी है। यहां पे आपको जो शुद्ध वाक्य दिया गया है कौन से दिया गया है, फटाफट से बताइए। बिल्कुल यहां से जो शुद्ध वाक्य दिया गया है मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना, ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेल का लिंग निर्णय कर दीजिए, जो जेल होता है वो कौन सा लिंग होता है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पुलिंग होता है। कौन सा लिंग होता है, पुलिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है ये ई नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सवैया में रसखान की कौन सी आकांक्षा प्रकट होती है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ब्रजभूमि निवास की। कौन से भूमि की, तो ब्रजभूमि निवास की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा है, ये बड़ा ही ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब जो होगा हो जाएगा और घनानंद को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन है। तो देखिए सुजान सागर के जो रचनाकार है वह है घनानंद जी। कौन है, तो घनानंद जी है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेम घन ने किस संपादक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था, जो कि बड़े ही एक असंदार क्वेश्चन है और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा नागरी नीरद की। किसकी, तो नागरी नीरद की, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, प्रेम घन की रचनाएं जो है किस नाम से संग्रहित है। तो इसका बिल्कुल जो जवाब हो जाएगा 60वां प्रश्न का हो जाएगा प्रेम घन सर्वसा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि जान का लिंग निर्णय क्या होगा, जान का जो लिंग निर्णय होगा वह क्या होगा, आपको यह बताना है। काफी शानदार क्वेश्चन है, यह हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन के स्त्रीलिंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि चित्त का लिंग निर्णय कर दीजिए, जो चित्त है ना, चित्त यानी कि क्या चीज है, वो स्त्रीलिंग पुलिंग है उभयलिंग है क्या चीज है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो याद कर लीजिएगा कि वो आपका पुलिंग ही है। क्या है, पुलिंग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि छत का लिंग निर्णय कर दीजिए, जो छत होता है वह छत का लिंग निर्णय कर दीजिए, हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि जिस पतल में खाना उसी में छेद करना लोकिक्त का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। अक्सर आप लोग बोलते रहते हैं कि जिस पतल में खा रहा ना उसी में छेद कर दे रहा है, इसका मतलब जो होता है वह क्या होता है, आपको यह बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कृतघ्न होना, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम है। तो देखिए सुमित्रानंद माता के जो नाम है वह है सरस्वती देवी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि पंत जी के पिताजी का नाम क्या है। तो देखिए पंत जी के जो पिताजी थे उनके नाम था गंगाधर पंत, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो कर लीजिएगा, वीडियो जैसे ही समाप्त होता है डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल प्ले स्टोर पे लिखिएगा, गूगल प्ले स्टोर जो होता है ना उस पे लिखिएगा तो आ जाएगा मेरा ऐप, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। और आप वेबसाइट पे जरूर जाइएगा, वहां पे ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, बहुत सारा चीज वहां पे मिलेगा और आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। बिहार बोर्ड से जो भी न्यूज आती है रिजल्ट वगैरह से लेकर सारी डिटेल्स, आपको कैसे तैयारी करना क्या करना सारा चीज मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, तो नौकर की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा जहां बहादुर वाला चैप्टर का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी ने बीए अनर्स कब किया था। तो दिनकर जी ने वो बीए अनर्स किया था 1932 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। तो दिनकर जी थे वह किस स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे थे, तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एच ई हाई स्कूल बरबीघा में रहे थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न के बहुत कम समय बचे हुए और फटाफट से हम लोग कंप्लीट अब कर लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, और इसी तरीके जितने सब्जेक्ट का नहीं देखे सारा सब्जेक्ट देख करके तब पेपर देने जाइएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको आएगा, कहीं से और से नहीं आने वाला नहीं है। अगला प्रश्न कह रहे टसमस टस से मस ना होना मुहावरे का जो कही सही अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको ये बता दे रहा है। तो टस से मस ये मस ना होना ये होता है अनुनय विनय से भी ना पसीजना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। मतलब कितना भी प्रयास कर लो फिर भी वो नहीं ये फिसल रहा है, जो वो कह रहा है वही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि टूट पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। तो टूट पड़ना सही मुहावरे का अर्थ होता है भारी संख्या में पहुंचाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि ठिकाने लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता था। ठिकाने लगाने मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल समाप्त कर देना, यानी ऑप्शन जो आपका दिया गया ए नंबर, ये ए नंबर आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अज्ञेय को किस भाषा का ज्ञान था। अज्ञेय जी को जो था वो किस भाषा का ज्ञान था, तो अज्ञेय जी को भाषा का ज्ञान था ये अंग्रेजी का भी, फारसी का भी और तमिल का भी, ये तीनों ज्ञान था उनको, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, कि अगला नंबर प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकला था, हिरोशिमा में जो सूरज है वो कहाँ पे निकला था, तो इसका बिल्कुल जो है वो राइट जवाब क्या हो जाएगा आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा नगर के चौक पे निकला था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न का जवाब बताइए फटाफट से याद है। तो प्रश्न कह रहा है कि कवि वीर कुंवर सिंह, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, आपको ये बताना है, जिसका बिल्कुल जो हुआ वह राइट जवाब हो जाएगा कि पुराने वृक्ष को कहा है, किसे कहा है तो पुराने वृक्ष को कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा है, या आपको ये देखा, तो जब वो घर लौटे तो उस समय क्या होता कि वो वृक्ष वहां पे नहीं था, वृक्ष को वहां पे नहीं देखे थे, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहे हैं वीरेंद्र नंगवाल की पहली बार कविता संग्रह इस दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, जो इस दुनिया में वीरेंद्र नंगवाल की जो कविता है वो किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी, कौन से सन में, कौन से ईस्वी में हुई थी, तो याद कर लीजिएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब 1991 कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि वीरेंद्र नंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है और इसका बिल्कुल ही राइट जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि केस का पर्यायवाची जो होता है वह क्या होता है, केस का पर्यायवाची जो होता है वह क्या होता है, तो केस का पर्यायवाची होता है कच्छ भी और कुंतल भी और पश्चिम जी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आदर्श शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, जो आदर्श होता है आदर्श शब्द का पर्यायवाची याद कर लीजिए प्रतिमान होता है, क्या होता है प्रतिमान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आली का पर्यायवाची क्या होता है, आली आली का पर्यायवाची होता है आपका सखी भी और सहेली भी, भ्रमी भी और आपका इस सभी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं ऐप को इंस्टॉल कर
कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे जाकर के डीग्लेस एजुकेशन ऑफिशियल। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं संभलता है, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क, क्या हो जाएगा क। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेटे के लिए अंग क्या है, तो बेटे के लिए अंग जो है वो माँ बेटा के समान है, माँ बेटी के समान है, तो इसका जो ये आपका राइट जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा माँ बेटे का समान है। आप समझ जाएगा क्या चीज, बेटे के लिए, ठीक है आप समझ जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न कि जीवनानंद दास की, जीवनानंद दास की रचना जो है इसमें से कौन है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो जीवनानंद दास की जो रचना है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा झरा पलक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास के निधन उपरांत उसकी लगभग कितनी कहानियां जो है प्रकाशित हो गई थी, हुई लगभग कितनी कहानियां उनकी प्रकाशित हुई, तो लगभग लगभग जो है उनके 100 यानी कि लगभग 100 कुछ ये कहानियां जो प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अब काफी कम क्वेश्चन बचा हुआ है ना, बिल्कुल 10-15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, कर लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है, तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यार साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता कभी क्या सूखने की बात कहता है, कभी जो है क्या सूखने की बात कहता है, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिल रहा है जो कि सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन आपके लिए जो है वह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा मदिरा, क्या हो जाएगा मदिरा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मंगमा के परिवार के कुल कितने, मंगमा के परिवार में कुल कितने जो सदस्य थे, यहाँ पे की के जगह में होगा, में कुल कितने जो है वो सदस्य थे, तो याद कर लीजिएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब लगभग 4 सदस्य थे, एक मंगमा, मंगमा की बहू, बेटा और पोता, ठीक है, यानी कि एक उसका जो नाती था पोता वह था। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आरोग्य शब्द का परिवाची जो होता है वह क्या होता है, तो आरोग्य शब्द का परिवाची होता है आपका निरोग, क्या होता है आरोग्य हो गया, यानी कि निरोग्य हो गया, अच्छा हो गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि खगोल का विलोम क्या होता है, खगोल का, तो खगोल का विलोम जो होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका खगोल का विलोम होता है ये भूगोल, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि घर में मंगवा की किससे नहीं बनती थी, घर में मंगवा की जो है वह किससे नहीं बनती थी, आपको ये बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बहू से नहीं बनती थी, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये सभी बढ़ने का से क्वेश्चन आ रहा है कि ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा का आधारित है, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि ये उड़ीसा पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भव्य दृश्य प्रस्तुत किया गया है, इसका बिल्कुल बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाएगा कि महानदी, महानंदा का किया गया है, वही महानदी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर की रचना जो है वह कौन सी है, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया गया और आपसे आपको बताना है फटाफट से, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा खून की सगाई, ऑप्शन आपका जो बी दिया गया बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू हो चुका है और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन जो चैनल का नाम है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए फटाफट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, मॉडल पेपर डाउनलोड करने के कोई भी चीज यहाँ पे आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहाँ पे, लाइव टेस्ट भी, हर चीज शुरू हो चुका है, बहुत खुशी की बात है। देखिए समय आपके पास काफी कम है तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल और आकर के आप अपने बेहतरीन यहां से तैयार कीजिए, तो फटाफट करिए, देर मत करिए और एक नहीं पूरे 5 सेट आपको यहां पे मिलेगा, ऑफिसर सेट हो गया, मॉडल सेट हो गया, सारा चीज यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मां कहानी में कौन पागल था, मां कहानी में जो कौन पागल था, तो मां कहानी में जो है तो मंगू थी वही पागल थी, गुंगी थी जन्म से ही, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला नया प्रश्न कह रहा है कि हित शब्द का विलोम क्या होगा, हित जो है ना, हित शब्द का विलोम आपका जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि हित का अहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि स्वार्थी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए स्वार्थी शब्द का जो विलोम होगा वह परार्थी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो का बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अब 2-3 क्वेश्चन और है, 500 क्वेश्चन आपको जो बच्चे को याद नहीं हुआ है अभी तक वो बच्चे का करें दोबारा क्वेश्चन, वीडियो को पब्लिश ये दोबारा अपलोड, ये अपलोड रहेगा वीडियो तो आप दोबारा इसको देख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिए और आप परीक्षा देने जाइए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन याद करके जाना, ऐसा मत क्वेश्चन बता देते हैं और आपसे याद नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है,
हम सभी का कि अस्पर्धा का अभिप्रायार्थक जो शब्द होगा वह कौन सा होगा, आपको ये बताना है यहाँ पे। इसका राइट जवाब आपको जो होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की सहयोग होगा। क्या होगा? सहयोग होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि नगर जो नगर किस भाषा की कहानी है, आपको ये बताना है। तो नगर जो है आपका किस भाषा की कहानी है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल नगर जो आपका वो तमिल की है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन मिट गया है, लेकिन यहाँ पे कहानी होगा, ये आपका होगा ढाते विश्वास, ये आपका सबसे लास्ट का सांवर दैया वाला सीता की कहानी, ठीक है। ये आपका सीता की कहानी होगा, ये कितने बेटे थे, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे हट चुका है ना आधा क्वेश्चन, देखिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आधा क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिटक चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटक चुका है, यहाँ बस इतना है। तीन बेटी की माँ है, कौन है? ओहो डैश डैश है यहाँ पे, माफ कीजिए यहाँ पे डैश डैश है, डैश जो है तीन बेटे की माँ है। तो सीता जो है क्या है? तीन बेटे की माँ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा पूरे 5 सेट कंप्लीट हुआ और एक सेट में 100 क्वेश्चन था, इस प्रकार से पूरे 500 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और जिस बच्चे को 500 क्वेश्चन कंप्लीट होगा समझिए वो धमाल मचा देंगे। अभी तक अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखिए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, फटाफट से जाइए और आप वहां से इंस्टॉल कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऐप, और आप लोग गर्दा मत चाहिए धमाल मचा चाहिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। नीचे देखिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहता है, हम चाहते हैं कि आपके मन में कोई भी डाउट ना बना रहे, आपके अंदर जो भी डाउट बना हुआ है उस डाउट को आप लोग हमें बताइए कि क्या चीज है, क्या चीज दिक्कत हो रहा है। जो दिक्कत होगा आपको हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी होगा वो कंप्लीट आपको हम वो दिक्कत कर दें, ठीक है। और हमारा किताब भी आ चुका है मार्केट में, आपको तो पता ही है कि डीएलएस एजुकेशन का किताब है, मार्केट से ले सकते हैं डीएलएस एजुकेशन, ठीक है, का किताब मांगेगा कैप्टन पब्लिकेशन का वो आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ने देखे तो जरूर देख लीजिएगा।